हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक कोडर एवी। आज ही हमारे जावा प्रोजेक्ट की 7th वीडियो होने वाली है। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हमारा न्यू कस्टमर वाला फ्रेम और साथ ही साथ में मीटर इन्फॉर्मेशन वाला फ्रेम। दोनों फ्रेम्स में जो भी डेटा एंटर होगा उस डेटा को हम हमारे डेटाबेस में भी सेव करवाने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी हम हमारा प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ये जो वीडियो है ये हो सकता है और भी लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि हम इसमें दो दो फ्रेम को डिजाइन कर रहे होंगे और साथ ही साथ में हम हमारे बैकएंड में भी डेटा को स्टोर करवा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले जो न्यू डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट दी लाइक बटन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को हमारी नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही होगी, वहां से आप हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ में हमारे जो वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप वाली वीडियो भी अपलोड हुई है, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर। लास्ट वीडियो में हमने हमारा मेन फ्रेम को डिजाइन किया था, तो मैं एक बार मेन फ्रेम को रन करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा मेन फ्रेम आ चुका है। यहाँ पर जब हमारा एज अ एडमिन जो हमारा यूजर होगा वो अगर एज अ एडमिन जब लॉगिन करेगा तो उसको ये मेन्यू वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, मेन्यू के अंदर उसको न्यू कस्टमर का ऑप्शन मिल रहा होगा। आज जब वो न्यू कस्टमर पर क्लिक करेगा तब जो फ्रेम ओपन होकर आने वाला है उस फ्रेम को हम डिजाइन करने वाले हैं। तो वापस चलते हैं हमारे कोड पर। फ्रेम को डिजाइन करने के लिए हमको चाहिए होगा एक जावा की क्लास, तो पहले हम जावा की क्लास बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं, इस जावा की क्लास को जो मैं नेमिंग देने वाला हूँ वो मैं दे देता हूँ न्यू कस्टमर। इसलिए मैं यहाँ पर न्यू इसको न्यू कस्टमर मैं नेम दे देता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में जैसे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि कोड जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं फॉन्ट साइज जो हमारी आईडी की फॉन्ट साइज है उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, तो आपको कोड जो होगा वो अच्छे से विजिबल होगा। अब हमको क्या करना पड़ता है, अब हमको जो पहला काम होता है हमारा उसको मेन फंक्शन को बनाना होता है। तो पहले मेन फंक्शन को बना लेते हैं। अब जो होता है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होता है, तो कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। और जो हमारा कंस्ट्रक्टर होगा वो एज इट इज सेम नेम से होगा हमारे उसके हमारे क्लास के सेम नेम से होगा, जैसा कि हम अभी तक बताते हुए आ रहा हूँ मैं, और अब हम वैसे ही बना रहे हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो यहाँ पर न्यू कस्टमर के नाम से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको बना लेते हैं। सिंपली यहाँ पर पहले न्यू भी लेना होगा, एक्सटेंड करवाते हैं फ्रेम को जे फ्रेम से, हमारी जो क्लास है उसको एक्सटेंड कराते हैं जे फ्रेम से एक्सटेंड कराया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो पैकेज है वो इम्पोर्ट हो गया, क्योंकि हमारी जो जावा जे फ्रेम वाला जो होता है वो हमारे स्विंग पैकेज के अंदर से आ रहा होता है, इसलिए हमारा जो ये पैकेज है ये इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो चुका है। अगर आप किसी और आईडी पर हो तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, ये मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अब जो हमारा फ्रेम है, अब हमको फ्रेम हमारा जो होने वाला है वो हमारा जो फ्रेम की साइज होगी वो ब्रेथ होने वाली है 700, हाइट होने वाली है 500। तो पहले साइज सेट कर लेते हैं फ्रेम का, तो सिंपली सेट साइज लेते हैं। यहाँ पर जो ब्रेथ है वो 700 दे देते हैं और जो हाइट है वो 500 दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद लोकेशन भी, हमारा जो फ्रेम है उसका साइज हो चुका है सेट, अब हमको करवाना है हमारे लोकेशन को सेट। तो लोकेशन हमारी जो होने वाली है वो फ्रेम हमारा ओपन होगा वो तो सेंटर से होगा, ठीक है। तो सिंपली इसको सेट लोकेशन कर लेते हैं। हमारी जो ब्रेथ, हमारी जो एक्स में जो वैल्यू पास होने वाली है वो होने वाली है 400, और जो हमारे वाई में जो पास होने वाली है वो होने वाली है 200। अब जो है सेट विजिबिलिटी को भी ट्रू करवा लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेम विजिबल करवाना है हमको। अब क्लास को एक बार रन करके देखते हैं। हमारा जो फ्रेम है वो परफेक्टली आ चुका है, परफेक्ट साइज में आया है और सेंटर से भी ओपन हो रहा है, तो फ्रेम हमारा परफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब जो हमारा एक सुपर भी होता है, ठीक है, सुपर की मदद से हम यहाँ पर टाइटल को सेट कर सकते हैं, हमारा जो फ्रेम का टाइटल होता है उसको सेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू कस्टमर के नाम से टाइटल बना देता हूँ, ठीक है। वैसे हम हमारे प्रोजेक्ट का भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूँ टाइटल ही बना देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर सुपर लेते हैं, इसके अंदर एक टाइटल को पास कराना होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तो जो हमारी क्लास है उसका ही नेम पास करा देते हैं। सिंपली इसको न्यू कस्टमर पास करा देते हैं और वापस से अब क्लास को अगर रन करते हैं, हमारा जो टाइटल है वो परफेक्टली फ्रेम पर आ गया है। एन कैपिटल करना पड़ेगा तभी अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब जो हमारा फ्रेम है उसकी जो आपको सैंपल इमेज हमारी स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी, सैंपल इमेज आप देख सकते हैं आपको परफेक्टली विजिबल हो रही होगी, सेम एज इट इज हम हमारा फ्रेम बनाने वाले हैं, ठीक है। अब जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, सुपर ले लिया। अब हमको हमारा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा जो लेआउट था उसको नल रख रहे थे, हमारा जो फ्रेम का लेआउट है उसको नल रखते थे। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमारे फ्रेम में जे पैनल का यूज करेंगे, ठीक है। हम एक पैनल को बनाएंगे, उस पैनल के अंदर हम सारे हमारे जो लेबल्स होंगे, टेक्स्ट फील्ड्स होंगे, उनको रखने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली जे पैनल की मदद से हम यहाँ पर पैनल बना लेते हैं, इसको सिंपली नेम पैनल दे देता हूँ मैं,
इक्वल्स टू न्यू जे पैनल। इसका जो हमारा पैनल है, इसका जो लेआउट होगा, अब पैनल हमने लिया ठीक है, एक पैनल होता है हमारा, जो एक पैनल है उस पैनल का भी लेआउट होता है ठीक है। उस पैनल का लेआउट जो होगा उसको अब हम नल करेंगे, तो सेट पैनल डॉट सेट लेआउट करना पड़ेगा ठीक है आपको। तो पैनल डॉट सेट लेआउट करोगे आप जब, तो यहाँ पर हम नल कर देते हैं ठीक है। हमारा जो पैनल का लेआउट है वो नल हो चुका है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसमें हमको क्या करना होगा, हमारे बैकग्राउंड का कलर भी सेट करवाना होता है ठीक है। तो अभी हमारा जो पैनल को पहले ऐड कर लेते हैं ठीक है, यहाँ पर ऐड करते हैं, पैनल को ऐड कर देते हैं और जावा की क्लास को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो पैनल है, वैसे तो अभी समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कलर तो सेम ही है, जैसा आप देख सकते हो कलर सेम है, तो कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो पैनल को ऐड करवाने के लिए, पैनल तो ऐड हो चुका है हमारा फ्रेम पर, पैनल परफेक्टली आ गया, तो पैनल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या करना होगा, अब यहाँ पर पैनल का बैकग्राउंड भी सेट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर पैनल लेता हूँ, सेट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर अब मैं जो पास कराने वाला हूँ, मैं यहाँ पर कस्टम कलर लूंगा, RGB वैल्यू का लेने वाला हूँ। तो मेरा जो यहाँ पर बैकग्राउंड अपन ने जैसे सैम्पल इमेज में देखा था वो येलो कलर का था, तो सिंपली यहाँ पर येलो कलर का ही बैकग्राउंड अपन लेते हैं। सिंपली यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 252, 186 और 3, ये हमारी येलो कलर के लिए होती है। अब आप वापस रन करके देखते हैं तो हमारा जो कलर है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ चुका होगा। ये देखिए हमारा जो फ्रेम पर जो कलर है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गया है ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको हेडिंग चाहिए न्यू कस्टमर की ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब हम काम करते हैं, तो यहाँ पर जे लेबल लेते हैं, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग न्यू जे लेबल, जैसा कि अभी तक हम लेते हुए आ रहे थे। इसके अंदर हमको क्या पास कराना है, इसके अंदर हमको जो हमारा लेबल होने वाला है उस लेबल को हमको पास करवाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू कस्टमर को पास करवा देता हूँ ठीक है। अब हमको हमारे जो हेडिंग है उसको सेट बाउंड की मदद से यहाँ पर सेट भी करना होगा। तो एक्स एक्सिस से हमारा होगा 180, वाई एक्सिस से होगा हमारा 10, मतलब 180 हमारा लेफ्ट साइड से राइट में शिफ्ट होने वाला है, और वाई का मतलब जो है हमारा जो ऊपर से 10 डाउन होने वाला है, नीचे की तरफ शिफ्ट होने वाला है ठीक है। ब्रेथ को ले लेता हूँ मैं 200 ले लेता हूँ, और जो हाइट है उसको 20 रहने देता हूँ। हाइट में जैसा 20 अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं, सारी जो भी लेबल्स लिया उसका जो हमने हाइट ली वो 20 ही ली। 20 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 20 जो हाइट होती है वो बेस्ट होती है, 20 से ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो स्पेस लेटर का साइज़ नहीं बढ़ता, बट जो हमारी ऊपर नीचे से स्पेस होती है वो ब्लैंक बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हाइट जो लेते हैं वो 20 बेस्ट होती है। अब हमको हमारे जो पैनल पर ऐड करवाना है, तो सिंपली पैनल पर ऐड करवाने के लिए पैनल डॉट ऐड का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं, क्लास को रन करके देखते हैं, हमारा जो न्यू कस्टमर है वो परफेक्ट पोजीशन पर तो आ गया है, जो हमने पोजीशन सेट करी है उस पोजीशन पर आ गया है, बट जो इसका साइज है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हमारे जो इसका लेबल का साइज है उसको और साथ में फॉन्ट स्टाइल भी डाल देते हैं ठीक है। तो हेडिंग डॉट एड फॉन्ट सेट फॉन्ट, सिंपली सेट फॉन्ट का यूज करते हैं यहाँ पर, और सेट फॉन्ट में हमको न्यू फॉन्ट लेना है ठीक है। तो फॉन्ट का नेम जो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ वो होगा तहोमा ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। अब जो हमारा जो फॉन्ट है वो हमारा बोल्ड होगा, प्लेन नहीं होगा, फॉन्ट जो होगा हमारा वो बोल्ड होने वाला है ठीक है। साइज जो होगी हमारी फॉन्ट की उसको एक काम करते हैं, पहले 15 देके देखते हैं, क्लास को रन करते हैं, 15 अभी भी छोटा दिख रहा है, एक काम करते हैं इसको सीधा 20 ले लेते हैं। परफेक्टली हमारा जो लेबल है, हमारा जो न्यू कस्टमर वाला जो हेडिंग हमको डालना है हमारे फ्रेम पर, वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर शो हो रही है ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट जो हमारा था वो कस्टमर का नेम लेना था, हमको हमारे कस्टमर का नेम लेना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा ठीक है, इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें अब हमारा जो हाइट है और फॉन्ट स्टाइल है उसको नहीं सेट करवाना हमको, सिंपली इस सेम हमको पहले हमारा नेम होगा ऐड करवा देंगे और सेट बाउंड बस करेंगे। जो हाइट जो हमने साइज वगैरह बढ़ाया और फॉन्ट फैमिली दी उसको, तो वो सब नहीं देने वाले हम हमारे इन सारे टाइटल्स को। सिंपली इसका नेम जो है लेना है वो मैं क्या ले लेता हूँ, कस्टमर नेम ले लेता हूँ, कस्टमर नेम जो है वो बेस्ट होगा, कस्टमर नेम ही ले लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली कस्टमर नेम ले लिया मैंने, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा एक्स एक्सिस में हमारा जो आएगी वो होगी 50, वाई एक्सिस की होगी हमारी 80, ब्रेथ होने वाली है 100, ब्रेथ यहाँ पे कम करेंगे, हाइट तो 20 रहेगी रहेगी। रन करके देखते हैं,
न्यू कस्टमर वाला जो हमारा लेबल है वो परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, इस चीज़ की टेक्स्ट फील्ड है, नेम की टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पर एक चीज़ और, अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली, और लेबल वाला जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इसको हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है ना, तो इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है, और जो हमारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उनको भी ग्लोबली डिक्लेयर करवाना है। तो यहाँ पर मैं नेम टेक्स्ट ले लेता हूँ। हमारी जो लेबल्स को भी इसमें जो है हमारे लेबल्स को भी हम यूज़ करवा रहे हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इसको भी कट करता हूँ मैं, और इसको भी एक काम करते हैं, ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा क्योंकि हमको बाद में यूज़ करना है, तो है ही बाद में भी ये काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा पहले ही ये काम कर लेते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट है वो हमारी नेक्स्ट जो हुआ है वो टेक्स्ट फील्ड है। तो नेम टेक्स्ट जैसे मैंने ऊपर बनाया, न्यू टेक्स्ट फील्ड, इसका जो साइज है नेम टेक्स्ट को भी सेट बाउंड करना पड़ेगा, सेट बाउंड करते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा 180 से, और वाई एक्सेस हो जाएगा हमारा 80, ब्रेथ हमारी होने वाली है 150 इसकी, और हाइट तो सेम S20। सिंपली पैनल लेते हैं, पैनल डॉट एड का यूज़ करते हैं और नेम टेक्स्ट को ऐड करवा लेते हैं। अब ये हो गया, एक बार रन करके देखते हैं। हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है और हमारा जो लेबल है उसके बीच का जो गैप है वो परफेक्ट है, डन है, इतना गैप जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि अगर इससे कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर ज़्यादा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, ये जो अभी गैप है ये परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होने वाला था वो है मीटर नंबर, हमको यूज़र का जो मीटर नंबर है उसको लेना होगा। तो पहले लेबल ले लेते हैं, तो क्या करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपली यहाँ पर हमको नेक्स्ट जो हमारा लेबल का नेम होगा उसको दे देता हूँ मैं मीटर नम, सिंपली मीटर नम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तो इसको उठाते हैं, सॉरी इसको उठाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको कट करके मीटर नम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट, और साथ ही साथ में यहाँ पर भी पेस्ट। अब जो यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब जो है मीटर नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको मीटर नंबर लेना है, ठीक है, यहाँ पे हमको जो शो कराना है वो हमको शो करवाना है मीटर नंबर, ठीक है। मीटर नंबर ले लिया, यहाँ पर भी सारी चीज़ें कर दी हैं। अब जो हमारा मीटर नंबर का जो साइज़ होने वाला है वो एक्स में होने वाला है 180, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स है मीटर का वो होने वाला है 180, वाई में होने वाला है 120, ब्रेथ 150 रहेगी, और जो हाइट है वो तो 20 रहने ही वाली है। तो ये हमारा मीटर नंबर जो आने वाला है वो हो गया। अब जो इसके सामने हमारा जो मीटर जो नंबर जो शो होगा, ठीक है, हमारा जो मीटर नंबर शो होगा वो कैसा होगा, वो हमारा रैंडम जनरेट होगा। हमारा जो मीटर नंबर होने वाला है वो 6 डिजिट का रैंडमली जनरेट होकर के हमको वहाँ पर शो होगा। तो मीटर नंबर को रैंडमली जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर नंबर को रैंडमली जनरेट करने के लिए पहले तो एक बार हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड को बना लेते हैं। हम सिंपली यहाँ पर जो मीटर टेक्स्ट के नाम से टेक्स्ट फील्ड दे देते हैं, सिंपली यहाँ पर नेम दे देता हूँ मीटर टेक्स्ट। नीचे आते हैं, यहाँ पर मीटर टेक्स्ट की फील्ड बना लेते हैं एक, इसको भी जो है सेट बाउंड कर देते हैं। इसकी जो हमारी लोकेशन होगी वो क्या होगी, 180, वाई एक्सेस से होगी 120, ब्रेथ होगी 150, और जो हाइट होगी वो 20, नहीं एक्चुअली इसकी नहीं होगी, हाँ सॉरी इसकी होगी। एक्चुअली हमको क्या कराना है, हमको ये तो टेक्स्ट फील्ड है ना, हमको तो मीटर के सामने जाना है, तो हमने तो पहले ही सेट कर ली थी। सिंपली यहाँ पर 150 लेना है, ठीक है, और ये तो 100 ही होने वाला है, लेबल तो 100 लेकर के चल रहा है ना अपन, ठीक है। हाँ ये हमारी 50 होगी, ये 180 होने वाली है, इसको सिंपली ऐड करवा लेते हैं फ्रेम पर, ठीक है। तो पैनल डॉट ऐड मीटर नंबर टेक्स्ट। अब हमको क्या करवाना है, हमको एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है। रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होगा 6 डिजिट का, और वो हमको यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है मीटर नंबर की वहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रैंडम लेते हैं, इसको मैं नेम दे देता हूँ रैन, RAN, ठीक है। ये इसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करवाना पड़ेगा, ये यहाँ ऐसे ही काम चल जाएगा। तो इसको न्यू रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद क्या है, उसको हमको एक लॉन्ग 6 डिजिट का चाहिए ना, तो लॉन्ग लेना होगा हमको, लॉन्ग इसको दे देते हैं नंबर, नंबर इस सर पे आप क्या लेते हैं, रैन डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। अब हमको क्या देना है, हमको कितने डिजिट का नंबर चाहिए है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको
6 डिजिट का नंबर चाहिए तो सिंपली हम परसेंट का साइन देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 सिंपली जितने जीरो हम प्रोवाइड करवाएंगे उतने डिजिट्स का जो नंबर है वो रेंडमली जनरेट होगा, ठीक है। 1 के बाद जितने डिजिट्स आपके होंगे उतने ही डिजिट्स का जो नंबर होगा वो जनरेट होगा, और वो नंबर आकर के हमारे लॉन्ग नंबर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है, अब नंबर जो था वो तो जनरेट हो गया, अब नंबर को सेव भी तो करवाना है, हमको शो करवाना है, तो पहले तो हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देंगे, हमारे टेक्स्ट फील्ड में एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवा देते हैं, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर मीटर टेक्स्ट में सेट करवा देंगे वैल्यू को। तो मीटर नंबर टेक्स्ट, अभी तक हम क्या करते थे, जब भी हमको किसी टेक्स्ट को गेट करना होता था तो हम गेट टेक्स्ट की हेल्प लेते थे, अब हमको क्या करना है, हमको टेक्स्ट को सेट करना है, तो सिंपली हम सेट टेक्स्ट की हेल्प लेंगे। सेट टेक्स्ट की हेल्प लेते हैं, पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये मैथमेटिकल नंबर है और उसको हम इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग पास करवाना है, एज अ स्ट्रिंग सेव करवाना है, तो पहले हमको एक एम्प्टी वैल्यू यहाँ पर भी देना होगी, फिर प्लस का साइन लेके मैथ डॉट ABS, ठीक है, ABS, और इसके अंदर हमको पास करवाना है जिसमें हमने हमारे नंबर को सेव करवाया, लॉन्ग नंबर, सिंपली यहाँ पर नंबर दे देते हैं। अब जो हमारा रैंडमली जनरेट होगा वो नंबर, वो आकर के हमारे यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर सेव हो रहा होगा। एक बार क्लास को रन करके देख लेते हैं, हमारी जो क्लास है ये परफेक्टली रन हो चुकी है, ठीक है, हमारा जो मीटर है वो भी परफेक्टली आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट का जो हमारा नंबर है वो परफेक्टली हमारी टेक्स्ट फील्ड में भी आ गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो होगा एड्रेस, है ना, तो एक काम करता हूँ मैं इस दोनों को, टेक्स्ट फील्ड को भी और लेबल को भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस, तो पहले क्या करना पड़ेगा, एड्रेस को यहाँ पर लेबल में ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। एड्रेस सिंपली मैं टेक्स्ट फील्ड लेबल के लिए एड्रेस ले लेता हूँ, और जो हमारा ये होने वाला है टेक्स्ट फील्ड होने वाली है इसको एड्रेस टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यहाँ पर हमको क्या करना है, अब नीचे जो हमारा यहाँ पर होने वाला है यहाँ पर हमको सिंपली इसको चेंज करना है, जो जो चीज़ें चेंज करना है उनको चेंज कर लेते हैं, एड्रेस के सामने से नंबर रिमूव कर देते हैं, एक को कैपिटल कर देते हैं। अब जो हमारी एड्रेस की लोकेशन होगी वो एक्स तो सेम होगा, नीचे शिफ्ट कराना है तो इसको कितना 60 ले लेते हैं, ब्रेथ सेम होगी, हाइट सेम होने वाली है। अब जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर एड्रेस आएगा, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। एड्रेस के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं पास कराना है टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि टेक्स्ट एंटर होने वाला है तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों ही पास करवाएंगे हम। एड्रेस का जो टेक्स्ट है उसमें अब हमारा जो एक्स है वो सेम रहेगा, वाई को चेंज करना पड़ेगा तो सिंपली 160 ले लेते हैं, ब्रेथ हाइट सेम है। वापस क्लास को एक बार रन करते हैं, आप देख सकते हो एड्रेस परफेक्ट जगह आ गया, टेक्स्ट फील्ड भी परफेक्ट जगह आ गई। अब हम क्या करते हैं, हम बार बार हमारी क्लास को रन नहीं करेंगे, एक बार में हम बना लेते हैं पहले सारे लेबल्स हमारे और सारे टेक्स्ट फील्ड, और फिर एक बार रन करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ गैपिंग स्पेसिंग की डिफरेंस में सेट करना है, बाकी सब तो हमको पता ही है वैल्यूज, है ना, बाकी सारी कैलकुलेशन तो हमारी ईजी हो गई क्योंकि पिछली वीडियोज़ में हम यही करते आ रहे हैं, हमारे फ्रेम को बनाते हुए आ रहे हैं, हमको वो स्पेसिंग कितनी देना है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो हमको पता है, सिंपली कैलकुलेट करके हम वैल्यूज़ को एंटर कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या था, सिटी का, हमको जो हमारा न्यू कस्टमर है उसकी सिटी को एंटर करवाना है, तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ सिटी, सिटी टेक्स्ट, ठीक है, और लेबल में दे देता हूँ मैं सिटी, ठीक है, इसको दे देते हैं सिटी। अब क्या करना है, वापस से इनको कॉपी करो, उठा करके पेस्ट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा सिटी, ठीक है, इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, इसको क्या करना है, हाँ यहाँ पर क्या था, टेक्स्ट सिटी, सिटी टेक्स्ट, यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हमारी चेंज हो गई है। अब यहाँ पर भी तो सिटी चाहिए, यहाँ पर भी सिटी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अब क्या करना है, 50 तो एज इट इज रहेगा सिटी का, वाई चेंज होने वाला है तो वाई हो जाएगा 200 अकॉर्डिंग टू आर स्पेस, ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है सिटी की, जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है उसको भी यहाँ पर वाई को चेंज करना है, यहाँ पर कर दो 200, ये हो गई। अब फिर से इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट, हमको यूज़र का स्टेट भी तो देना है, है ना, तो पहले ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऊपर हम इसको सिटी के बाजू में दे देते हैं स्टेट, ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या करना है, नीचे हमको देना है जैसा कि सब में देते हैं स्टेट टेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, स्टेट टेक्स्ट के अंदर हमको सिंपली स्टेट को देना है ना, तो यहाँ पर चेंज करके स्टेट, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ पर चेंज हो गया, एस हो जाएगा हमारा कैपिटल। अब जो हमारी स्पेसिंग है वो 200 से कितनी हो जाएगी, 40 का स्पेस चल रहा है ना, तो 200 से हो जाएगी ये कितनी,
240, ये हो जाएगी हमारी 240। हमारा जो स्टेट है उसकी जो y की वैल्यू हो जाएगी, 40 का स्पेसिंग दे करके चल रहे थे, तो यहाँ पर हो जाएगी 240। 50 सेम रहेगा, नीचे भी क्या होगा 180, तो सेम रहेगा, इसको हो जाएगा 240। सिंपली यहाँ पर सिटी की जगह इसको करना है ना, अभी तो इसको चेंज करना है, इसको भी चेंज करते हैं, साथ ही साथ में इसको भी चेंज कर देते हैं। ये चीज़ आपको बोरिंग लग रही होगी, बट मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप एज अ बिगनर हो, आप अभी इस प्रोजेक्ट को सीख रहे हो, तो आप मैन्युअली टाइप करना इस चीज़ को। आप जब मैन्युअली टाइप करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, और प्रोजेक्ट के एंड होते तक आपको ना जो कोड्स हमने लिखे हैं किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ हमको यूज़ करना है, कैसे टेक्स्ट फील्ड लेना है, कैसे क्या करना है, ये सारे जो सिंटेक्स हैं आपको यूज टू हो रहे होंगे। जब आप मैन्युअली खुद से टाइप करोगे ना, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, साथ में स्किल भी डेवलप होगी, और आपको कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा कि हमने किस चीज़ के लिए क्या यूज़ किया था। ठीक है, तो ये भी हो गया है, टेक्स्ट फील्ड हो गई, अब स्टेट भी ले लिया है अपन ने, अब इसको वापस से कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब जो नेक्स्ट है वो हमको क्या लेना है, ईमेल देना है, एडमिन ईमेल भी देगा कस्टमर का। यहाँ पे सिंपली ईमेल के नाम से ले लेता हूँ मैं, उठाया पेस्ट, यहाँ पर ईमेल टेक्स्ट के नाम से दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब जो स्टेट है इसको चेंज करके ईमेल कर दो, अभी जगह यहाँ पर भी ईमेल कर दो, यहाँ पर ई कैपिटल कर देते हैं। नीचे जो है ईमेल टेक्स्ट लिया था, सिंपली इसको चेंज कर दो, और इसको चेंज कर दो, तो ये हो गया। अब जो हमारा स्पेसिंग था वो कितना चल रहा था, 40 का चल रहा था ना, तो इसको सिंपली 280 कर दो, नीचे वाले को भी चेंज करके 280 कर दो। क्लास को एक बार रन करके देख लेते हैं अब। ठीक है, एरर शो हो गया, एरर कहाँ पर आ गया है हमारा, हमने ईमेल में तो क्लोज ही नहीं किया। वापस से एक बार क्लास को रन करते हैं, हमारा जो सिटी है वो भी परफेक्ट जगह आ गया है, स्टेट भी आ गया है, ईमेल भी आ चुका है, परफेक्ट, हमारा सारी चीज़ें परफेक्ट आ रही हैं। सिर्फ हमको वाई की वैल्यू ही बस को चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमारे जो लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड को पोजीशन देने के लिए। फिर से इसको कॉपी करता हूँ, सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ईमेल के बाद जो हमारा था वो है हमारा फ़ोन नंबर, सिंपली यहाँ पर इसको फ़ोन दे देते हैं, उठाया पटक दिया, टेक्स्ट भी दे दिया है ना। अब जो है फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर भी लेना पड़ेगा ना, अभी तो तभी होगा है ना, तो सिंपली इसको दे देते हैं फ़ोन, इसको दे देते हैं फ़ोन, यहाँ पर दे देते हैं फ़ोन, यहाँ पर भी तो देना है फ़ोन, इसको भी दे दिया, अब भी हो गया हमारा कैपिटल। अब जो वैल्यू चल रही थी वो हमारी 40 के गैपिंग की चल रही थी, तो 280 प्लस 40 320, सिंपली इसको 320 दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा हो गया, इसको भी 320 दे देते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी आ चुका है, फ़ोन नंबर के बाद हमको क्या करना है, एक बार पहले क्लास को रन करके देखते हैं। फ़ोन नंबर भी हमारा आ गया है, हमारा जो नेक्स्ट न्यू कस्टमर वाला भी सही से आया है, मीटर नंबर भी हो चुका है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ईमेल, फ़ोन नंबर, सभी की जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो परफेक्टली आ गई हैं। अब इसके नीचे हमारा एक यहाँ पर आप माउस का कर्सर देख रहे होंगे, वहाँ पर नेक्स्ट का बटन चाहिए, और यहाँ पर जहाँ पर कर्सर मैं अभी राउंड राउंड कर रहा हूँ वहाँ पर हमको कैंसिल का बटन चाहिए। तो क्या करते हैं, वापस चलते हैं, बटन बनाना भी हमने प्रीवियस वीडियोज में सीखा है ना, जिसको नहीं बनता है वो यहाँ पर देख सकता है। सिंपली बटन को भी पहले ग्लोबली डिक्लेयर तो करवाओ है ना, ग्लोबली तो चाहिए, सारी चीज़ें ग्लोबली डिक्लेयर चाहिए अपन को, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमको यूज़ आने वाली हैं हमारे आगे चल के, जब हम डेटा को गेट कर रहे होंगे और सेव करा रहे होंगे हमारे डेटाबेस में। तो सिंपली यहाँ पर जे बटन दे देते हैं, ठीक है, फर्स्ट बटन का नेम हम दे देते हैं सिंपली नेक्स्ट, सेकेंड बटन का सिंपली नेम दे देते हैं कैंसिल, ठीक है, फर्स्ट बटन भी हो गई, सेकेंड बटन का भी नेम दे दिया। अब चलते हैं वापस नीचे, यहाँ पर अब बटन को देना है, तो सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, यहाँ पर जे बटन के यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट को पास करवाते हो वो आपके बटन पर विजिबल होता है, सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ क्या करेंगे, सेट बाउंड करेंगे, साइड्स को सेट करवाना पड़ेगा। तो बटन की एक्स में मैं देता हूँ पहले 120, ठीक है, वाई में दे देता हूँ 390, ब्रेथ दे देता हूँ 100, और हाइट को दे देता हूँ 25 देता हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में भी अपन 125 ही लेकर चल रहे हैं बटन्स का साइज, हाइट एंड ब्रेथ, ठीक है। अब हमारा जो बटन है उसको येलो पे वो जो डिफॉल्ट कलर के साथ आती है वो अच्छी नहीं दिखेगी, तो सिंपली क्या करते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट डॉट क्या करना पड़ेगा बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, सेट बैकग्राउंड का यूज करना पड़ेगा, डिफॉल्ट ही कलर को ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, कोई डिफरेंट कलर को नहीं लेने वाला, तो मैं येलो के ऊपर जो बैकग्राउंड बटन का जो होगा वो ब्लैक अच्छा दिखेगा है ना,
नेक्स्ट हमारा जो होगा फॉन्ट का साइज, फॉन्ट ब्लैक ब्लैक में फॉन्ट दिखने ही नहीं वाला, तो फॉन्ट का कलर लेने के लिए चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, जिस जिसको पता है वो कमेंट डाउन करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी करो, बस टाइप करके बताओ कि बटन को, बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज कराने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करते हैं। आपके सामने लिस्ट भी खुली हुई है, उसमें सब कुछ दिख रहा है, कर दिया, चलो ठीक है बताता हूँ मैं। बटन्स को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोरग्राउंड करना पड़ता है ना, मैंने एक ही बार बताया ना ये शायद तक, हाँ एक ही बार, जो हमारा शायद तक लास्ट वीडियो में हमने चेंज किया, लास्ट की लास्ट वीडियो में चेंज किया था हमने टेक्स्ट, और वो भी चेंज नहीं किया था मैंने, सिर्फ आपको बता दिया था कि इस फंक्शन के हेल्प से अपन चेंज करते हैं, ठीक है। तो फोरग्राउंड जो होता है, सेट फोरग्राउंड, वो हमारे बटन्स के जो टेक्स्ट का कलर होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर अब वापस लेना है कलर ना, तो कलर जो हमारा है वो वाइट है, बटन का जो टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक के ऊपर वाइट अच्छा दिखेगा। अब क्या करते हैं, पैनल पर पैनल डॉट एड डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, तो हमारा जो ये है ये हमारी बटन पर आकर के सेव हो जाएगा, बटन हमारी मतलब फ्रेम पर आ जाएगी, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। हमारी बटन हमारे फ्रेम पर आ चुकी हुई, क्लास को रन करके देखा, बटन जो है वो थोड़ा दूर नहीं लग रही, लग रही है नहीं, वैसे परफेक्ट है हमारी बटन, अभी परफेक्ट है हमारी, क्योंकि लेफ्ट हैंड में यहाँ पर जो पैनल के बाहर एक इमेज भी तो आना है, तो अभी तो ये बटन परफेक्ट है। इमेज जब सेट करेंगे तब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रही होगी तो वहाँ उस टाइम पर हम बटन को जो साइज है वहाँ उसको उस टाइम पर चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। वापस चलते हैं कोड पर, यहाँ पर अब जो कैंसिल है उसको बना लेते हैं, सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, नेम क्या देना है, कैंसिल, उठा लो इसको भी, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, ठीक है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सी कैपिटल हो जाएगा, हाँ सी कैपिटल हो गया, ब्लैक कलर वाइट टेक्स्ट, बस जो हमारी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, वाई एक्स की हो जाएगी 230, वाई की हो जाएगी 390, क्यों तो काट दिया मैंने 390 थी, ब्रेथ और हाइट तो सेम ही होगी, कोई इशू नहीं है। क्लास को रन करके देखते हैं, क्लास तो परफेक्टली रन हो गई है, कैंसिल बटन आसपास नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा पास पास दिख रहा है ये, ठीक है। देखने बटन का जो साइज़ है वो जब हम हमारी फ्रेम पर लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम हमारी इमेज को लगा रहे होंगे तभी हम उस चीज़ को सेट कर देंगे, ठीक है। तब हम बटन का जो साइज को इधर उधर अगर राइट लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा तो हम उस टाइम पर कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमने एक चीज़ मिस कर दी थी स्टार्टिंग में, हमने पैनल का तो लेआउट बना लिया था, और पैनल भी बना लिया था हमने हमारे फ्रेम पर, और पैनल का लेआउट को नल कर दिया था, ठीक है। बट जो हमारा फ्रेम है उसका लेआउट तो अभी भी डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट ही लेआउट चल रहा है, पैनल का भी लेआउट आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हमारी जो इमेज है वो हमारे पैनल पर आने वाली है, हमारे पैनल के बाहर आने वाली है। मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो हमारा पैनल है, अभी हमने ऊपर क्या किया था दिखाता हूँ आपको मैं, अभी ऊपर हमने जे पैनल का यूज करके हमारे फ्रेम पर एक पैनल को बनवाया था हमने, ठीक है। उस पैनल के अंदर का जो लेआउट हमने किया था वो नल किया था, ठीक है। अब जो फ्रेम है उस पर तो पैनल आया, ठीक है, फ्रेम पर पैनल आ चुका है, अब फ्रेम का भी तो लेआउट को नल करना पड़ेगा, वो तो डिफॉल्ट ही चल रहा है ना, इसलिए यहाँ पर सिंपली सेट लेआउट फंक्शन का यूज़ करेंगे अपन, सेट लेआउट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और जब हमको इमेज लगाना है वो तो हमको बाहर लगाना है ना, तो यहाँ पर हम सेट बॉर्डर लेआउट का यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बॉर्डर लेआउट का यूज़ करना सिखाता हूँ कि बॉर्डर लेआउट को अपन इमेज के टाइम पर जब हमको बॉर्डर पर इमेज को सेट करवाना होगा तो वो कैसे हम करवाएंगे। अभी एक बार वापस से क्लास को रन करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रहा, नहीं एरर नहीं आ रहा, बट ये क्या हुआ, हमारा सभी जो लेआउट था वो जा चुका है, ऐसा क्यों, नहीं जो हमारा लोकेशन और साइज है इसको उठा के हमको ऊपर ही दे देते हैं, यहाँ पर ही दे देते हैं, सुपर के नीचे दे देते हैं यहाँ पर। अब रन करके देखते हैं, एक्चुअली पैनल का साइज भी तो दिया था ना अपन ने, अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, पैनल जो है हमारा वो तो हाइड हो गया है, क्योंकि अच्छा पैनल हमारा एक्चुअली पैनल तो हमारा हाइड हो गया ना, क्योंकि हमने बॉर्डर लेआउट दे दिया, हमने तो अभी बॉर्डर लेआउट दे दिया ना, तो अब हमको पैनल को भी तो सेट करना पड़ेगा अब तो, हाँ करेक्ट है ना, हमको तो पैनल को भी सेट करना है, सही है सही है। अभी जो हमारा लेआउट हमने बॉर्डर लेआउट यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो सही किया है, अब बॉर्डर लेआउट के अंदर हमको पैनल को कहाँ पर रखना है वो साइज, पैनल का भी तो लोकेशन सेट करना पड़ेगा बॉर्डर लेआउट में, लेफ्ट में दिखाना है, राइट में दिखाना है, ऊपर दिखाना है, नीचे दिखाना है, सेंटर पे दिखाना है, वो कहाँ दिखाना है, पैनल का भी तो साइट है वो भी तो सेट करना पड़ेगा, सॉरी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली एड फंक्शन का यूज करते हैं, एड फंक्शन करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं पैनल को लेते हैं, और यहाँ पे अब हमको पास कराना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट कि हमको कहाँ चाहिए, तो हमारा जो पैनल चाहिए वो हमको सेंटर पे चाहिए,
तो सिंपली यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर लेके अब क्लास को रन करते हैं। परफेक्टली हमारा जो पैनल है हमारे फ्रेम पर आ गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा जो फ्रेम पर पैनल आ गया है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ हमने क्या किया है। हमने हमारा फ्रेम बनाया, ऊपर देखते हैं, हमने जे पैनल की मदद से हमारा, देखिए पहले हमने फ्रेम बनाया, सेट साइज किया, सेट लोकेशन किया। इसको नीचे भी रख लोगे तो कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, परफेक्ट चलेगा। कोई अगर सेट साइज को विजिबिलिटी के ऊपर ही रखना है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमने इस पैनल ही को ऐड नहीं करवाया था, इसीलिए हमारा पैनल शो नहीं हो रहा था। अब हमने क्या किया था, हमारा फ्रेम पहले हमने बनाया, फ्रेम के अंदर हमने पैनल को बनाया, ठीक है। पैनल के अंदर हमने ये सारे जो हमारे लेबल्स थे और जो हमारे टेक्स्ट फील्ड्स थे उनको बनाया और बटन्स को बनाया। अब हमने क्या किया, हमारा जो डिफॉल्ट फ्रेम का लेआउट था उसको तो हमने बॉर्डर लेआउट दे दिया। हमारे जो फ्रेम पे जो लेआउट चल रहा था वो तो बॉर्डर लेआउट उसको हमने दे दिया। अब जो बॉर्डर लेआउट हमारा फ्रेम का हो चुका है, अब फ्रेम पर हमको पैनल को लेके आना है, तो पैनल का भी तो हमको पैनल सेट बाउंड करना पड़ेगा। जैसे लेबल्स को, टेक्स्ट फील्ड को सेट बाउंड करके हम पोजीशन बता रहे थे हमारे फ्रेम के अंदर उस लेबल की, उस बटन की, वैसा ही ऐड की मदद से और हमारा जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास हुआ सेंटर, इसकी मदद से हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो पैनल है उसको भी फ्रेम पर सेट करो, और फ्रेम पर सेट करो कहाँ पर, सेंटर पर बिल्कुल। तो हमको हमारे फ्रेम पर पैनल को भी ऐड करवाना होता है। ये चीज़ मेरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया एकदम से, मैंने जब लेआउट को सेट किया ना और जब कुछ भी नहीं आया तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कहाँ पे था, क्या हो गया। तो सिंपली है ये, एज सिंपल एज है कि आपको जब भी आपके फ्रेम पर आपके पैनल को भी ऐड करवाना होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने ऐड करवाया, सेंटर दिया, हमारा पैनल आ चुका है, ठीक है। अब पैनल जो, जहाँ पर हमने पैनल को ऐड करवा दिया, अब इसके नीचे हम हमारी इमेज खोलेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमारा यहाँ पर तक चल रहा था ये सारी चीज़ें हमारे पैनल के अंदर आ रही थी, ठीक है। अब जो हमारी इमेज है वो पैनल के बाहर हमारे फ्रेम पर आएगी, ओके। तो इमेज को कैसे लेते हैं अपन, इमेज को जैसा कि आपको पता है अभी तक हम लेते हुए आ रहे हैं इमेज आइकन की हेल्प से। तो सिंपली यहाँ पर इमेज आइकन ले लेते हैं, इमेज आइकन i1 इसको एक काम करता हूँ, i1 वाले फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ, ठीक है। i1 i2 i3 ऐसे ही लेके चलते हैं। तो सिंपली इसको ये i1 ले लेते हैं, यहाँ पर न्यू इमेज आइकन को लेते हैं, यहाँ पर गेट करना है हमको, तो क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। अब इसके अंदर हमको हमारे इमेज की जो पाथ है, URL है, उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लेते हैं, हमारा जो इमेज है वो आइकन के अंदर है, आइकन के अंदर हमारी जो इमेज है वो बॉय के नाम से थी, चेक करते हैं ये, परफेक्टली ये वाली ही इमेज को हमको चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर इमेज क्या है, बॉय PNG के नाम से, तो इसको दे देता हूँ बॉय डॉट PNG, इसको क्लोज कर लेता हूँ। हमारी इमेज गेट हो गई, अब क्या होगा, इमेज को स्केल करवाना पड़ेगा। तो इमेज इसको दे देता हूँ i2, यहाँ पर क्या करते हैं i1.getImage.getScalerInstant, इसके अंदर हमारी जो इमेज का साइज है वो है 230, ब्रेथ है, हाइट जो है वो 200 है, इमेज स्केलर डिफॉल्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको वापस इमेज आइकन में लेना होगा, वापस इमेज आइकन लेते हैं, इसको दे देता हूँ i3 इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, इसके अंदर पास करा देता हूँ i2 को। अब हमको क्या लेना है, हमको जे लेबल लेना होगा, जे लेबल की हेल्प से हम हमारे फ्रेम पर लेकर आते हैं। तो जे लेबल यहाँ पर क्या ले लेते हैं, इमेज लेबल img लेबल ले लेता हूँ, img लेबल इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, ठीक है। यहाँ पर मैं पास करा देता हूँ i3 को, हमारी जो इमेज है ये आ चुकी है। ऐड की हेल्प से यहाँ पर मैं img लेबल को ऐड करवा देता हूँ। अब हमारी जो इमेज है वो हमारी फ्रेम पर अभी भी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने हमारी इमेज कहाँ पर चाहिए हमारे लेआउट में वो तो बताया ही नहीं ना। तो उस चीज़ के लिए हमको क्या करना होगा, उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हमने पैनल को ऐड करवाया था, ऐड यहाँ पर हमको क्या नेम देना होगा, इमेज लेबल, img लेबल कहाँ पर चाहिए, अब हमको हमारे लेफ्ट बॉर्डर पर चाहिए, है ना, हमारे लेफ्ट बॉर्डर पर चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वेस्ट साइड होता है वो, तो इसको वेस्ट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर वेस्ट दे देता हूँ। अब जो हमारी जो इमेज है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे आ चुकी होगी, वेस्ट साइड पर आ चुकी होगी, ये तो पूरे फ्रेम पर आ गई, ये क्या हुआ, ये तो पूरे फ्रेम पर क्यों आ गई है, इमेज फ्रेम पर क्यों आ रही है, पैनल के बाहर ही चली गई है, क्यों गई है, रुकिए देखते हैं क्यों हमारे पैनल के बाहर गई है। क्योंकि पैनल के बाहर इसलिए चली गई है क्योंकि हमने दो बार ऐड करवा दिया ना, क्या कर रहा हूँ मैं भी आज, यहाँ पर हमने दो बार ऐड करवा दिया। अब रन करते हैं, अब परफेक्टली लेफ्ट हैंड पे आ गई होगी, देख लेना आ गई ना,
बोला था आ जाएगी, आ गई, लेफ्ट हैंड पे आ गई ना, परफेक्टली आ गई है। ठीक है, जो हमारी इमेज थी ये हमारे लेफ्ट हैंड पे आ गई है, और अब जो हमारा बटन्स का जो साइज बीच में गैपिंग है वो भी परफेक्ट दिखने लगी है। मैंने जैसा कि आपको बोला था ना कि जब इमेज सेट हो जाएगी फिर अगर अपन को थोड़ा बहुत चेंज करना होगा बटन्स के साइज को या फिर शिफ्ट कराना होगा लेफ्ट राइट, तो उस टाइम पे करेंगे। अभी उस टाइम पर जब अपन देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी बटन्स, पर अभी जो है वो परफेक्ट लग रही है। अभी जो हमारी नेक्स्ट की बटन है वो भी परफेक्ट आ गई है, और जो कैंसिल की बटन है वो भी परफेक्ट पोजीशन पर है। अब जो हमारी जो इमेज है हम वो भी परफेक्ट आ गई है। हमारा जो न्यू कस्टमर वाला जो पार्ट है वो न्यू कस्टमर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जब हमारा यूज़र नेक्स्ट पर क्लिक करने वाला है, हमारा जब यूज़र नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तब वो कहाँ पर पहुँचने वाला था, हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे। अब इसने कस्टमर की डिटेल्स को डाल दिया, फिर अब कस्टमर के मीटर की डिटेल्स को भी डालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज को डिज़ाइन करते हैं। इसको क्लोज करता हूँ, वापस चलते हैं हमारे कोड पर। अब हमको हमारा मीटर इन्फो वाला फ्रेम बनाना है ना, अब हमको हमारा मीटर इन्फो वाला फ्रेम बनाना है, तो उसके लिए वापस से जावा क्लास को बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं जावा क्लास का नेम जो दे देता हूँ वो मीटर इन्फो दे देता हूँ। यहाँ पर मीटर इन्फो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करते हैं, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड के साथ मैं न्यू पहले कंस्ट्रक्टर, ऑलवेज कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। तो यहाँ पर पहले मीटर इन्फो के नाम से कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में इसका अब ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, तो यहाँ पर न्यू मीटर इन्फो ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये सारी चीज़ें बन गई। बड़ा कर लेता हूँ मैं साइज़ को जिससे आपको परफेक्टली विजिबल हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कराना है, एक्सटेंड करवाना है जे फ्रेम से एक्सटेंड करवा देते हैं। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने एज इट इज़ जो फ्रेम लिया था उसी को हमको यहाँ पर भी लेना है, हमको सेम ही लेना है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, सेम एज इट इज़ ही लेना है। तो क्या करते हैं, जैसा कि आपको मीटर इन्फो वाली जो हमारी जो बनाना है उसकी सैम्पल इमेज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, है ना, आपको स्क्रीन पर दिख रही है जो इमेज, वैसा ही हमको हमारे फ्रेम को बनाना है मीटर इन्फो वाले। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो लेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, मीटर नंबर है, मीटर नंबर लेना है, लोकेशन लेना है, टाइप लेना है, फेस कोड लेना है, बिल टाइप, डे, फोन। तो एक काम करते हैं, और सबमिट बटन है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास कैंसिल का ऑप्शन नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही बटन होने वाली है, सबमिट बटन। यहाँ पर हमको ड्रॉप डाउन भी बनाने हैं, मीटर लोकेशन वाला, मीटर टाइप का, फेस कोड का, बिल टाइप का, ये जो आने वाली है हमारे चॉइस से बनाएंगे हम। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो किस में लेने वाले हैं, वो हमको इसलिए लेने वाले हैं, जो हमारा मीटर नंबर, जैसा कि आप देख सकते हो हमारा मीटर नंबर भी यहाँ पर भी विजिबल हो रहा है, हमको मीटर नंबर यहाँ पर भी शो हो रहा है ना, तो हमको मीटर नंबर यहाँ पर लेना होगा। तो हमको मीटर नंबर कहाँ से मिलेगा, ये मीटर नंबर हमको हमारे न्यू कस्टमर वाली क्लास से लेकर आना है। न्यू कस्टमर वाली क्लास से मीटर नंबर को हम हमारे मीटर इन्फो वाली क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। अभी हम पहले बाकी चीज़ों को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली चीज़ तो ये है कि फ्रेम को सेट करवाना है, तो सेट साइज़ ले लो, सेट साइज़ का यूज़ करते हैं। फ्रेम का साइज़ एज इट इज़ होगा 700x500। ठीक है, अब जो हमारी सेट लोकेशन करते हैं, सेट लोकेशन में हमारा फ्रेम 400x200। सेट विजिबिलिटी करते हैं, जिसको अपन ट्रू करेंगे। ठीक है, फ्रेम हमारा बन गया है, फ्रेम हमारा आ गया है। अब क्या करना है, अब हमारा जो पहली चीज़ है वो है क्या, पैनल बनाना, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। सिंपली पैनल ले लेते हैं, इसको नेम पैनल दे दूंगा मैं, न्यू जे पैनल बना लेते हैं। इसके अंदर अब पैनल जो है, एक मिनट इसको पहले क्लोज करते हैं। अब जो है अब क्या करना है, पैनल डॉट सेट लेआउट जो होगा वो नल होने वाला है। ठीक है, पैनल जो था वो नल हो चुका है। अब क्या करना है, अब जो पैनल है उसका बैकग्राउंड कलर देना है, जो कि येलो ही होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में जो कलर को यूज़ किया था, मतलब लास्ट फ्रेम में जो कलर को हमने बैकग्राउंड में पैनल के लगाया था, वही सेम कलर हमको हमारे इस पैनल में भी लेना है। तो पैनल डॉट सेट बैकग्राउंड करते हैं, यहाँ पर कलर न्यू कलर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर RGB वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं, है ना। तो पहली R की वैल्यू क्या है, 252, G की वैल्यू 186 है, और B की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये जो है हमारा पैनल का कलर भी आ गया है, साइज़ हो गया, लोकेशन हो गई। अब ऐड करवा देते हैं, ऐड पैनल कर लेते हैं। ठीक है, ऐड पैनल करते हैं। अब पैनल हमारा जो है हमारे फ्रेम पर ऐड हो चुका है। अब एक काम करते हैं, नहीं वो चीज़ ठीक है, रहने देते हैं। अब क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, पहले हमको हेडिंग शो करवाना है। जैसे हमने न्यू कस्टमर की हेडिंग ली थी, वैसे हमको यहाँ पर हमारे जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाली है वो हेडिंग भी लेना होगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ, यहाँ पर न्यू जे लेबल, इसके अंदर क्या पास कराना है, मीटर इन्फो। मीटर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये ले लेते हैं, इसको क्लोज कराते हैं, हेडिंग लेते हैं वापस से, इसको सेट बाउंड करते हैं। अब जो हमारी होगी वो 180 होगी एक्स पे,
10 होगी हमारी वाई पे, जैसा कि अभी तक लास्ट फ्रेम में भी था, ब्रिज जो होगी वो 200, हाइट होगी 20। हेडिंग वापस लेते हैं, सेट फॉन्ट करना होगा क्योंकि हमको हमारे साइज को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फॉन्ट लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल क्या लेने वाले हैं, जो हमने लास्ट फ्रेम में ली थी ताहुमा, ठीक है, तो सेम वही लेंगे। अब जो हमारा फॉन्ट है वो बोल्ड होने वाला है ना, फॉन्ट जो है वो हमारा बोल्ड होने वाला है ना, तो इसको फॉन्ट डॉट बोल्ड लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा साइज कितना है, साइज फ्रेम फॉन्ट साइज हमारा 20 होने वाला है। सिंपली पैनल डॉट एड का यूज करेंगे और हमारे पैनल पे हम इस हेडिंग को सेव करवा देते हैं। ठीक है, अब जो हमारी हेडिंग है वो हमारे पैनल पर परफेक्टली आ गई होगी। रन करते हैं हमारी जावा क्लास को। आप देख सकते हो हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जो टेक्स्ट है वो हमारे परफेक्टली फ्रेम पर आ गया है। कलर भी हमारा बैकग्राउंड का आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास है वो मीटर नंबर है, जे लेबल मीटर नंबर। तो इसको ग्लोबली लेबल की तो जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसमें ग्लोबली डिक्लेयर करने की लेबल की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो टेक्स्ट फील्ड्स और ड्रॉप डाउन होने वाले हैं उनको हमको लेना होगा, है ना। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, जे लेबल, अब हमारा क्या है मीटर नंबर, सिंपली इसको मीटर नंबर न्यू जे लेबल इसके अंदर पास करवाना है क्या हमको मीटर नंबर, यहाँ पर मीटर नंबर पास करवा देते हैं। मीटर नंबर डॉट सेट बाउंड करना होगा, यहाँ पर हमारा जो मीटर नंबर है उसको x से 50 देते हैं, y से 80 देते हैं, ब्रेथ हो जाएगी 100, हाइट है जेड इज 20। पैनल डॉट एड करते हैं और हम यहाँ पर कर देते हैं मीटर नंबर को। हमारा मीटर नंबर हमारे फ्रेम पर प्रॉपरली आ चुका होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारी टेक्स्ट फील्ड होने वाली है। टेक्स्ट फील्ड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जो हमारा मीटर नंबर के सामने हमने अभी लास्ट न्यू कस्टमर वाले में भी हमको चेंज करना है इस चीज़ को। जैसा कि अभी हमने न्यू कस्टमर वाले में देखा था, यहाँ पर हमने जो हमारी टेक्स्ट फील्ड को बनाया हुआ था वो हमने एक चेंज कर दिया, वो हमने गलती करी थी, गलती नहीं थी, हमने हमारी टेक्स्ट फील्ड को बना दिया था। यहाँ पर जो मीटर नंबर रेंडमली जनरेट होकर आ रहा है वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर आ रहा है, और जो भी यहाँ पर एडमिन रहेगा वो मीटर नंबर को कट भी कर सकता है, लेकिन हमारा जो मीटर नंबर है वो हमको एडिट नहीं करवाना ना, एज इट इज रहेगा, मीटर नंबर को एडिट नहीं करवाना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखते हैं हमारा जो टेक्स्ट फील्ड कहाँ है, मीटर टेक्स्ट ये है हमारा, तो इसको क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ पर सिंपली जे लेबल ले लेता हूँ, है ना, इसको नहीं काम करते हैं, इसको कट करते हैं, ऊपर ही जो है ये हमारा, इसको मीटर नंबर जो टेक्स्ट है हमारा इसको कट करके लेबल के अंदर ले लेते हैं, सिंपली इसको लेबल के अंदर ले लेता हूँ। इसको जब हम लेबल के अंदर ले लेंगे, यहाँ से कट करके यहाँ पर जे लेबल ले लेते हैं, लेबल के अंदर ले लेते हैं। अब जब हम क्लास को रन करेंगे तो ये एज अ लेबल में आएगा, इस अब जो हमारा मीटर नंबर है वो एडिट नहीं हो पाएगा। करेक्ट है, परफेक्ट आ गया। जैसा आप देख सकते हो हमारा जो मीटर नंबर है, अब ये हम इस मीटर नंबर को कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, है ना, तो ये चीज़ हमको चाहिए थी, तो ये चीज़ अब हमारी भी ये भी हो गई है। ठीक है, अब वापस चलते हैं मीटर इन्फॉर्मेशन वाले क्लास में। यहाँ पर भी हमारा जो नेक्स्ट है, जो मीटर नंबर हमारी न्यू कस्टमर वाली क्लास से आएगा हमारी मीटर इन्फॉर्मेशन वाली क्लास में, तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीटर नंबर लेते हैं, जे लेबल का यूज़ करते हैं, मीटर नंबर लेते हैं इक्वल्स टू न्यू मीटर नंबर, सॉरी न्यू जे लेबल, कहाँ ले रहा हूँ मैं अभी, क्या कर रहा हूँ, न्यू जे लेबल, मीटर नंबर एक्चुअली हो चुका है ना, तो मीटर नंबर टेक्स्ट कर दो ना इसको, मीटर नंबर टेक्स्ट कर दो इसको। ठीक है, अब जो है इसको साइड भी साइज सेट बाउंड करना होगा। ठीक है, मीटर नंबर टेक्स्ट डॉट सेट बाउंड कर देते हैं। अब जो मीटर नंबर टेक्स्ट की लोकेशन है वो कितनी होगी, 180, और जो वाई में आने वाली है वो 80 होगी, और हाइट वन, ब्रेथ 150, हाइट 20। सिंपली ऐड करवा लेते हैं हम हमारे पैनल पे, पैनल डॉट ऐड का यूज करेंगे और इसके अंदर हम दे देते हैं meter, मीटर नंबर टेक्स्ट। ठीक है, इसको पास करा देते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ, ये बार बार ऊपर आ रहा है, इसको मीटर नंबर टेक्स्ट दे देते हैं, मीटर नंबर टेक्स्ट दे दिया इसको नेम। ठीक है, ये भी हमारा फ्रेम पर आ चुका हो, अभी हमारा कोई टेक्स्ट नहीं है, तो ये चीज़ हम अभी देखते हैं, हमको हमारे मीटर नंबर जो है उसको लेकर के आना है हमारे इस फ्रेम पर ना, तो वो भी अभी हम देखते हैं उसको कैसे लेकर के आएंगे। उसको लाने के लिए हमको सिंपल है, उसको लाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ एक ही चीज़ करना पड़ेगी, जब वो चीज़ हम तब करेंगे जब हम यहाँ वहाँ पर हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, हमारा जब बटन पर क्लिक करके हम बैकेंड में डेटा को सेव करा रहे होंगे उस टाइम पर हम हमारे मीटर नंबर को यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, अभी इसको कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, कोई इशू नहीं है, मीटर नंबर नहीं आने दो। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है वो नेक्स्ट क्या है, मीटर की लोकेशन है ना, मीटर की लोकेशन यूज़र सेलेक्ट करेगा कि मीटर इनसाइड है या आउटसाइड है, तो जे लेबल ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, मीटर को नंबर को काट के एलओसी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एलओसी ले लेता हूँ। ठीक है, मीटर लोकेशन,
ठीक है, LOC ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज। जो X है हमारा वो तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ Y चेंज होने वाला है। 80, 90, 100, 110, 120, 120, 40 की गैपिंग, 120, ठीक है। हमारा जो मीटर का जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट है जो यूज़र सिलेक्ट करेगा, वो कैसे करेगा, चॉइस से करेगा, है ना। तो चॉइस को अब हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। सिंपली चॉइस को क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर चॉइस लेते हैं। अब जो मीटर लोकेशन की जो चॉइस है उसका नेम क्या दे देते हैं, इसको दे देता हूँ मैं मीटर LOC CHO। ये थोड़ा आपको फनी भी लग रहा होगा और कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा, बट आप अपने एज इट इज़ अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप इस चीज़ को नेमिंग करना कि जो आपको याद रहे, ठीक है। मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ आप मत करना कि मैंने ये चीज़ लिखी है यहाँ पर, मैंने ये नेम दिया है तो आप भी वो नेम दे रहे हो, ये चीज़ मत करना। आपको जो भी नेम याद रहे, कि आपसे अगर नींद में भी पूछ लिया जाए कि हाँ इसका चॉइस का जो नेम था वो क्या था, तो मीटर LOC CHO के नाम से था, तो आपको जो चीज़ नेम याद रहे उस नेम के हिसाब से आपको करना है। ये मत करना कि मैंने ये वाला नेम लिया है तो आपको भी ये वाला ही नेम लेना है, आप किसी अदर नेम को भी ले सकते हो। अगर आपको ये नेम सूटेबल लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो आप इसको ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर LOC CHO ले लिया है, इज इक्वल्स टू न्यू चॉइस ले लेंगे। अब क्या है, अब जो हमारा ड्रॉप डाउन है ये, है ना, तो पहले इसको सेट बाउंड कर देते हैं, मीटर LOC CHO डॉट सेट बाउंड। सेट बाउंड करने में अब जो है हमारा ये होगा क्या, 180, और गैपिंग हमारा 40 का है तो 120, है ना। अब इसका जो साइज़ है वो 150 है और 20 है। सिंपली पैनल डॉट ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं मीटर CHO को पेस्ट करवा देते हैं। अब ड्रॉप डाउन है, हमको इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपली ये लेते हैं, हमारा नेम ऐड करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, आउटडोर या इनडोर, तो पहले लेते हैं आउटडोर, आउटसाइड लेना है, ठीक है, आउटडोर बोल रहा हूँ, आउटसाइड लेना है अपन को, क्योंकि मीटर की जब हम बिल वगैरह इसमें चेक करते हैं तो हमारे जो मीटर की लोकेशन होती है वो आउटसाइड लिखाता है, आउटडोर नहीं दिखता है, आउटसाइड होता है, है ना। तो इसको आउटसाइड ले लेते हैं, फिर सिंपली इसको कॉपी मारते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर आउटसाइड की जगह इनसाइड कर देते हैं, इनसाइड, ये हो गया। अब हम हमारी जावा क्लास को रन करते हैं। हमारी क्लास जो है वो रन हो चुकी है, हमारा मीटर नंबर भी आ चुका है, मीटर नंबर के सामने हमारा जो लेबल है वो भी पोजीशन पर आ रहा होगा, वो बाद में अपन देखेंगे जब हमारा मीटर नंबर हमारी स्क्रीन से हम लेकर के आएंगे तब वो यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। अभी जो है आउटडोर इनसाइड आउटसाइड इनसाइड जो हमारा एलिमेंट है वो भी परफेक्ट आ रहा है, हमारा ड्रॉप डाउन भी परफेक्ट आ रहा है। अब ड्रॉप डाउन के बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमको लेना है, ऑप्शन नहीं है, हमको जो लेना है ना, हमारा जो है वो मीटर टाइप है। सिंपली इसको कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर नीचे पेस्ट करवा देता हूँ, इसमें मीटर LOC लिया था, अब इसको क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं मीटर टाइप। तो सिंपली यहाँ पर TYP दे देता हूँ मैं, सिंपली इसको मीटर टाइप दे देता हूँ TYP, तो ये हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर जो हमको शो करवाना है वो क्या शो करवाना है, मीटर टाइप, है ना। तो यहाँ पर इसको काटते हैं, सॉरी इसको काटते हैं, और यहाँ पर सिंपली इंफॉर्मेशन की जगह था इसको टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मीटर टाइप। अब जो हमारा गैपिंग है वो कितना, 20 की जगह हो जाएगा 120 की जगह 160 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें चेंज कर ही ली हैं। अब जो है नेक्स्ट है मीटर टाइप में भी, वो भी एक ड्रॉप डाउन है ना, वो भी एक ड्रॉप डाउन होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, मीटर LOC CHO लिया था, अब क्या करते हैं यहाँ पर मीटर, यहाँ पर TYP T कैपिटल रखते हैं, मीटर TYP CHO। बहुत ही अजीब सा नाम लग रहा है, वो मेरे को भी पता है बहुत ही ज़्यादा अजीब वाला नाम है, बट ले लेते हैं क्योंकि मज़ा तो आएगा उसको बनाने में, याद भी रहेगा ना नाम, नाम याद रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नाम आप आईडी आप कुछ भी लो, नेम जो मैं बोल रहा हूँ, आईडी जो है, जो यूनिक आईडी आप दे रहे हो हर किसी चीज़ की, वो आईडी कुछ भी लो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद रहना चाहिए कि इस आईडी का इस चीज़ की क्या आईडी है, ठीक है, वो चीज़ बस आपको याद होना चाहिए। अब जो है हमारा चॉइस था, अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्या है वो हमारा मीटर टाइप जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर है, यहाँ पर सिंपली ले लेते हैं, सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर ले लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास ऑप्शन, सोलार मीटर, सिंपली यहाँ पर सोलार मीटर ले लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी मारता हूँ, VS कोड का ये कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम सही है, VS कोड में सिंपली कंट्रोल डी दबाओ और आपकी लाइन कॉपी होकर नीचे मिल जाती है आपको। अब ठीक है, इंटेलिजी आइडिया में ये इंटेलिजी आइडिया का भी ये कॉपी पेस्ट वाला फीचर होता है, मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया उसको, करते हैं उसको भी एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, हो जाएगा एक्सप्लोर कर लेंगे हम प्रोजेक्ट खत्म होते होते तक। अब जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है, स्मार्ट मीटर का, तो सिंपली यहाँ पर स्मार्ट मीटर दे देता हूँ मैं। यहाँ पर पहला जो टाइप है वो इलेक्ट्रिक मीटर है, फिर सोलार मीटर है, फिर स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर भी हो गया। अब बाउंड, सेट बाउंड में हमारा जो 120 है इसको 160 कर देते हैं। क्लास को रन करके देखते हैं,
हमारा जो मीटर टाइप है इलेक्ट्रिक मीटर, सोलार मीटर, स्मार्ट मीटर, ड्रॉप डाउन में परफेक्टली आ चुका है, और जो मीटर टाइप का लेबल है वो भी हमारा परफेक्टली आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्या, फेस कोड। वापस लेबल को कॉपी करते हैं, स्पेस 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 पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है फेस कोड। सिंपली यहाँ पर मैं नेम भी दे देता हूँ फेस कोड, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज, यहाँ पर भी चेंज, स्पेस स्पेस कोड। अब जो है 50 है, 160 था, 160 कैंसिल होके हो जाएगा ये 200, ठीक है। अब जो है वो फेस कोड भी हमारा एक ड्रॉप डाउन है ना, फेस कोड भी हमारा एक ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन है तो पहले ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। अब जो इसका नेम है वो क्या दूँ मैं, सिंपली क्या देता हूँ, फेस कोड सी एच ओ, फेस कोड सी एच ओ, ये दे देता हूँ मैं, बेस्ट है, ठीक है। इसको वापस से नहीं, इसको कॉपी करना है, हाँ इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, फेस कोड, फेस कोड सी एच ओ, इसको करो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, पेस्ट, सॉरी ये क्या हो गया, ज़्यादा ही पेस्ट हो गया, यहाँ पर भी पेस्ट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा ऐड करना है हमको, हमारे फेस कोड कितने डाले हुए थे, 1 to 9 तक का डाला था मैंने, हाँ। तो क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको कॉपी, 3 ऑलरेडी हमारे पास हैं, 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 1 to 9 था, इसको रिमूव करके 0 1 1 है ना, इसको रिमूव करके 0 2 2, इसको रिमूव करते हैं 0 3 3, यहाँ पर 0 4 4, यहाँ पर 0 5 5, ये क्या हुआ, यहाँ पर 0 5 5, यहाँ पर 0 6 6, यहाँ पर 0 7 7, 0 8 8 और 0 9 9। ये चीज़ बहुत बोर लग रही है, पता है मेरे को बहुत ही ज़्यादा बोर लग रही है, बट आपको फ्रेम बनाना है तो करना तो पड़ेगा। जावा का जो फ्रेम है, जावा में जब हम डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन बनाते हैं और यहाँ पर जब हमको हमारा फ्रेम को डिज़ाइन करना होता है तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट ठीक है, जावा का फ्रेम बनाना है, जावा का प्रोजेक्ट बनाना है तो फ्रेम भी बनाना ही पड़ेगा ना। और बस इसमें एक चीज़ आती है, अभी जो नेटबीन्स वगैरह में जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एज अ एंड्रॉयड यूज़ करते हो, जैसे हम एंड्रॉयड स्टूडियो में एलिमेंट्स को उठा के सेट करते हैं ना, वैसे नेटबीन्स वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो उस टाइप से भी, बट मैंने वो चीज़ अभी किया नहीं इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा उस चीज़ को। बट जो वो चीज़ भी अभी थोड़ा आई है अपडेट में, मैंने देखा है एक दो जगह पर करते हुए लोगों को कि ये चीज़ होती है, वैसे भी होती है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। बट बेस्ट वे जो हमारा फ्रेम को डिज़ाइन करने का है वो आप पहले कोड लिखो, रन करो और फिर उसके बाद आप फ्रेम को चेक करो, बेस्ट वे जो है वो हमारे स्विंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का यही होता है, ठीक है। तो ये अभी वापस आते हैं हमारे प्रोजेक्ट पे, ठीक है, ये हमारा फेस कोड भी आ गया, एक बार क्लास को रन करते हैं, क्लास को रन करते हैं, हमारा जो पैनल है वो नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, फेस कोड हमारा नहीं आया है, क्यों नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा ना, अच्छा वो तो चेंज ही नहीं किया ना, ओवरलैप कर गया, यहाँ पर 200 देना है, ओवरलैप हो गया ना वो, अब सही है, परफेक्ट आ गया है, फेस कोड वाला पार्ट भी हमारा परफेक्टली आ चुका है। अब इसके बाद हमारा क्या था, बिल टाइप, वापस से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जिंदाबाद, सॉरी एक्सेप्ट किया, ये तो कट हो गया, ये तो नहीं, पेस्ट करना है, कॉपी करना है, सिंपली यहाँ पर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेबल में क्या आने वाला है, बिल टाइप, तो मैं यहाँ पर बिल टी वाई पी ले लेता हूँ, उसको कॉपी, यहाँ पर सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, जो हमारा सेट बाउंड है वो वाई में क्या चेंज होगा, 240 हो जाने वाला है, यहाँ पर हमारा फेस कोड की जगह आ जाएगा, फेस कोड की जगह आएगा बिल टाइप, सिंपली यहाँ पर बिल टाइप दे देते हैं, ठीक है, हमारा लेबल बन गया। अब जो है हमारा वो भी एक चॉइस है ना, तो क्या करते हैं इसको कॉपी मारते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमारा ऊपर जो नेम देने वाले हैं वो उसको हम देने वाले हैं बिल टाइप सी एच ओ, है ना, बिल टाइप सी एच ओ, चॉइस में ऊपर ग्लोबली डिक्लेयर करवाते हैं, तो यहाँ पर बिल टाइप सी एच ओ। अब यहाँ पर भी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिल टाइप तो सिर्फ दो ही होने वाले हैं, एक नॉर्मल होने वाला है, एक इंडस्ट्रियल होने वाला है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल, हमारा सेकेंड ऑप्शन इंडस्ट्रियल का है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो नॉर्मल का है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा नॉर्मल हो गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा इंडस्ट्रियल हो गया। अब जो है हमारे पास वो क्या है, पहले इसको भी चेंज कर देते हैं, वाई को चेंज करके यहाँ पर क्या करना है, 240, बिल टाइप भी आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम अब क्लास को रन नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर
अब जो हमको डे भी शो कराना है, हमारा जो बिलिंग का जो डे साइकिल होगा वो 30 डेज का है, जैसा कि हमने सैंपल इमेज में देखा था, हमको मिल रहा था लिखा हुआ, तो वो लेबल की हेल्प से मिल रहा था हमको। तो इसको लेबल दे देता हूँ, लेबल को मैं क्या देता हूँ, डेज, यहाँ पर क्या नेम की जगह डेज, यहाँ पर नेम दे देता हूँ डे, सिंपली यहाँ पर डे दे देते हैं और यहाँ पर भी डे दे देते हैं, ये भी डे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमको क्या शो करवाना है हमारी स्क्रीन पर, 30 डे बिलिंग टाइम ऐसा शो करवाना है हमको, है ना। तो इसको सिंपली 30 डेज बिलिंग टाइम और यहाँ पर 1, 2, 3 डॉट्स। अब जो हमारी इसकी लोकेशन है सेट जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, इसको 240 था 280 कर देंगे, इसको 50 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके नीचे वापस से जे लेबल लेना है, ठीक है, जहाँ पर जो अपन नोट शो करवाएंगे हम, है ना। इसको लेते हैं यहाँ पर डे की जगह क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं यहाँ पर NOT, ठीक है, यहाँ पर नोट कर देते हैं, यहाँ पर नोट कर देते हैं और यहाँ पर भी नोट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इसकी साइज है इसको क्या करते हैं, 320 करते हैं, 320 इसको कर देते हैं। और यहाँ पर क्या शो करवाना है हमको, हमको शो करवाना है नोट, NOTE नोट और साथ ही साथ में ये डॉट्स। अब इसके बाद हमारा क्या है, अब इसके बाद एक और लेबल लेना है जहाँ पर हमको क्या लिखवाना है, बाय डिफॉल्ट बिल इज कैलकुलेटेड फॉर 30 डेज ओनली, ये चीज़ को हमको शो करवाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर वापस से Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर इसको नेम क्या दूँ मैं, Note 1 दे देता हूँ, Note 1 ये ठीक है, याद रहेगा ना Note 1 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर हमको शो करवाना है बाय डिफॉल्ट बिल इज क्या था, क्या याद नहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट बिल इज कैलकुलेटेड फॉर 30 डेज ओनली, हाँ ये था, बाय डिफॉल्ट बिल इज कैलकुलेटेड फॉर 30 डेज ओनली, है ना, बाय डिफॉल्ट बिल इज कैलकुलेटेड फॉर 30 डेज ओनली, ये शो करवाना है। अब जो हमारा ये साइज है इसका 320 की जगह हो जाएगा वाई का 340, है ना, ऐड भी हो गया है। अब एक बार क्लास को रन करते हैं, अब हम जावा क्लास को रन करते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा जो 30 डे बिलिंग, अरे यार ये तो हाँ ठीक है, वृत्त को बढ़ाना पड़ेगा ना, 30 डे बिलिंग तो परफेक्ट आया है, कोई इशू नहीं है उसमें, 30 डे बिलिंग जो है वो हमारी परफेक्ट आई है, बिलिंग टाइम नहीं आया है। एक काम करता हूँ, वृत्त को 150 कर देता हूँ, ठीक है, और जो हमारा बाय डिफॉल्ट बिल बस शो हो रहा है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको 100 से कर देता हूँ, यहाँ पर वृत्त 300। अब एक बार क्लास को रन करते हैं वापस से, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये 30 डेज बिलिंग टाइमिंग जो टाइम था वो परफेक्टली पूरा आ चुका है, और साथ में बाय डिफॉल्ट बिल इज कैलकुलेटेड फॉर 30 डेज ओनली, तो ये भी हमारा फ्रेम पर परफेक्ट आ चुका है। अब ये भी हो चुका है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, बटन को लाना, बटन को ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा जे बटन लेते हैं, जे बटन के साथ में हमको बटन का नेम क्या रखना है, सबमिट, क्योंकि हमारी ये सबमिट बटन होने वाली है ना, तो इसको सबमिट लेते हैं। अब यहाँ पर हमको बटन बनाना है, तो बटन के लिए क्या लेंगे, सबमिट नेम हमने क्या लिया, सबमिट इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन, बटन के अंदर क्या शो करवाना है वो भी हमको सबमिट शो करवाना है, SUBMIT सबमिट, ये हो गया सबमिट की, हमको सेट बाउंड करना पड़ेगा, सेट बाउंड करके यहाँ पर लेते हैं 220, बाय में लेते हैं 390, ब्रेथ ले लेते हैं 100 और हाइट ले लेते हैं 20। सबमिट का बैकग्राउंड कलर भी तो देना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट डॉट सेट बैकग्राउंड करते हैं और यहाँ पर सिंपली कलर डॉट ब्लैक ले लेते हैं, फिर यहाँ पर सबमिट का फॉन्ट का भी साइज जो है वो भी सेट करना होगा, तो सेट फोरग्राउंड करते हैं और यहाँ पर जो कलर है उसको हम वाइट ले लेते हैं, ठीक है, अब हमारा कलर भी वाइट हो गया। अब इसको पैनल पर सिंपली हम पैनल डॉट एड यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारी बटन हमारे पैनल पर कम्प्लीटली एड हो चुकी है। जावा क्लास को रन करके देखते हैं, सबमिट बटन हमारी परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ गई है, परफेक्ट आ गई है, ठीक है। इसको 20 नहीं 25 लेना पड़ेगा, हाइट बहुत कम दिख रही है, इसको 25 लेते हैं। क्लास को रन करते हैं, आ गया, अब जो इमेज की हाइट भी परफेक्ट, वो सॉरी बटन की जो हाइट है वो भी परफेक्टली आ गई है, वृत्त भी परफेक्ट आ गई है, ठीक है। अब हमारी जो इमेज को सेट करवाना है, अब हमारी जो इमेज है वो ईस्ट साइड में आने वाली है, मतलब हमारे राइट हैंड साइड में आने वाली है। अभी हमने क्या किया था, हमारी लास्ट फ्रेम में हमने क्या किया था, हमारी लेफ्ट साइड में सेट करवाई थी इमेज को, अब इमेज को हम हमारे राइट साइड में सेट करवाने वाले हैं। तो पहले फ्रेम का जो लेआउट है उसको बॉर्डर लेआउट में सेट कर देते हैं,
सेट लेआउट, यहाँ पर क्या करते हैं न्यू बॉर्डर लेआउट को कर देते हैं, ठीक है, और इसको ऐड करवा लेते हैं पैनल को हम हमारे बॉर्डर लेआउट में। यहाँ पर दे देते हैं सेंटर, सिंपली यहाँ पर सेंटर दे देते हैं। अब हम हमारी इमेज खोल लेते हैं, सिंपली इमेज आइकन इज इक्वल्स टू न्यू, वापस न्यू कस्टमर आ गया, न्यू इमेज आइकन, ये क्या हो रहा है, हाँ इमेज आइकन, इसके नीचे इमेज को गेट करना है, तो क्लास लोडर, फिर उसके बाद गेट सिस्टम रिसोर्स, गेट सिस्टम रिसोर्स के अंदर हमारा पाथ, हमारी इमेज का, इमेज का हमारे पाथ क्या है, आइकन फोल्डर के अंदर, पहले तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, आइकन फोल्डर के अंदर इमेज हमारी है डिटेल्स डॉट पीएनजी के नाम से, एक बार ओपन करके देखते हैं। डिटेल्स, डिटेल डॉट पीएनजी हमने वहाँ पर ली थी हमारे आइकन एज आइकन, हाँ डिटेल्स डॉट पीएनजी के नाम से, यहाँ पर सिंपली डिटेल्स डॉट पीएनजी, ठीक है, इसको करते हैं क्लोज। अब इमेज को हमको ऐड भी तो करवाना है ना, तो पहले स्केल कर लेते हैं, सिंपली यहाँ पर इमेज, एक गलती करी, इमेज का नेम तो प्रोवाइड ही नहीं किया आई वन, जैसे लास्ट वीडियो में किया था, इसको आई टू इक्वल्स टू आई वन डॉट गेट इमेज डॉट गेट स्केल आर इंस्टेंट, इमेज का साइज 230 एज इट इज, जैसा लास्ट में था, ब्रेथ हाइट जो है वो 200, ब्रेथ 230, इमेज डॉट स्केलर डिफॉल्ट करना है इमेज को। अब हमको वापस इमेज आइकन के फॉर्मेट में लेकर जाना है, यहाँ पर दे देते हैं i3 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, यहाँ पर i2 को पास करवा देते हैं। अब j लेबल के अंदर हमको हमारी इमेज को लेना होगा, तो img लेबल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इक्वल्स टू न्यू j लेबल, इसके अंदर i3 को पास करवा देते हैं, और पैनल डॉट, नहीं पैनल डॉट ऐड नहीं, ऐड की हेल्प से ऐड, और यहाँ पर हमारा img लेबल, और कहाँ पर चाहिए हमको, ईस्ट साइड में चाहिए, हमारे राइट हैंड साइड पे चाहिए मतलब, तो यहाँ पर सिंपली मैं पास कर देता हूँ ईस्ट को, ईस्ट को पास कर देते हैं। अब हमारे फ्रेम को रन करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर परफेक्टली विजिबल हो रही होगी, परफेक्ट है, हमारी जो इमेज है वो हमारे फ्रेम पर आ गई है, परफेक्ट पोजिशन पर आई है, ठीक है। अब हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाली जो फ्रेम है वो भी कम्प्लीटली बन चुका है ना, हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जो फ्रेम है वो भी बन गया है। अब हमको क्या करना है, अब वापस चलते हैं हम हमारे न्यू कस्टमर वाले फ्रेम पर। अब इस फ्रेम में हमको हमारे जो डेटा है, जो भी यूज़र एंटर करने वाला है, उस डेटा को हमको बैकएंड में स्टोर भी कराना है हमारे डेटाबेस में, है ना, तो वो काम करते हैं। अब उस काम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ जो होने वाली है, हमको हमारे फ्रेम को एक्सटेंड करवाना होगा, सॉरी इम्प्लीमेंट की हेल्प से हमारे एक्शन लिसनर को ऐड करना होगा, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, हमारे पास एरर शो हो रहा है, क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमको हमारे एक्शन लिसनर को ओवरराइड करवाना होता है, जैसा कि अभी हम बाकी वीडियोस में करवाते हुए आ रहे थे, तो हमको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर सिंपली क्या टाइप करना है, एक्शन परफॉर्म्ड आ गया। आप अगर इंटेलिजी आइडिया के अंदर नहीं हो, तो अगर आप किसी और आईडी पर काम कर रहे हो या अपने प्रोजेक्ट को किसी अनदर आईडी पर बना रहे हो, तो आपको ये मैन्युअली टाइप करना होगा, ठीक है, ये पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड एक्शन इवेंट ई, ये चीज़ आपको मैन्युअली टाइप करना होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि अभी तक हम देखते आ रहे थे, पहले हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट बटन जो था, उस नेक्स्ट बटन पे हमको एक क्लिक वाला जो इवेंट लगाना होता है ना, ऐड क्लिक लिसनर करना होगा पहले तो हमको, कि हमारी बटन किस बटन पर क्लिक हुआ है वो पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली नेक्स्ट डॉट ऐड एक्शन लिसनर कर देता हूँ, और यहाँ पर दिस करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई, इसको सिंपली कॉपी करूँगा और कैंसिल के लिए मैं आकर के पेस्ट कर दूंगा, नेम यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, हमारे जो एक्शन लिसनर है वो हमारी दोनों बटन्स पर लग गया है। अब यहाँ पर चलते हैं हम वापस से हमारे ये डेटा वाले चेंज पे एक्शन परफॉर्म पर, यहाँ पर हमको क्या करना है, इफ़ कंडीशन, इफ ई डॉट गेट सोर्स, ठीक है, गेट सोर्स इक्वल इक्वल्स टू क्या है, नेक्स्ट, हमारी जो बटन है वो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमारी जो लिसनर है, हमारे लिसनर में अगर हमारी नेक्स्ट बटन पर क्लिक होता है तो हमको क्या काम करवाना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक अगर होता है तो हमको पहले तो हमारी सारे रिसोर्स को गेट करना होगा, हमारी सारी टेक्स्ट फील्ड में जो जो वैल्यूज आई हैं वो वैल्यूज को गेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट, सारी चीज़ें हम स्ट्रिंग में सेव कराने वाले हैं, तो यहाँ पर एस पहला नेम लेंगे, एस नेम, यहाँ पर हमने किस नाम से बनाया था, नेम टेक्स्ट के नाम से बताया था, सिंपली गेट टेक्स्ट कर देंगे। सेकेंड आएगा हमारी स्ट्रिंग, वो आएगी हमारी एस मीटर के नाम से, ठीक है, यहाँ पर किस नाम से बनाया था हमने, मीटर नम टेक्स्ट के नाम से बनाया था, ठीक है, तो इसको गेट टेक्स्ट, इसको भी कर देंगे। फिर आता है थर्ड हमारे पास क्या है, एड्रेस, तो एस एड्रेस ले लेंगे, ठीक है, इसको हमने किस नाम से बनाया था, एड्रेस टेक्स्ट के नाम से बनाया था, ठीक है, एड्रेस टेक्स्ट गेट टेक्स्ट कर देंगे। फिर आएगा हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सिटी, तो एस सिटी ले लेंगे, और यहाँ पर सिटी टेक्स्ट के नाम से बनाया था ना, सिटी टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है,
फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास वापस से स्ट्रिंग, सॉरी क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग, वापस से स्ट्रिंग, अब आता है स्टेट, तो एस एस टी ए टी ई, एस एस्टेट ले लेंगे, तो एस टी ए टी ई डॉट टेक्स्ट के नाम से बनाया था, तो गेट टेक्स्ट कर देंगे। अब नेम आ गया, मीटर आ गया, एड्रेस आ गया, सिटी आ गई, स्टेट आ गया, अब क्या बचता है, ईमेल और फोन नंबर, तो वापस से स्ट्रिंग लेते हैं, ई ईमेल लेंगे अपन, ठीक है, ई ईमेल इक्वल्स टू ईमेल टेक्स्ट के नाम से, ईमेल टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। अब आता है हमारे पास स्ट्रिंग, वो क्या है, फोन, तो एस फोन के नाम से ले लेंगे, एस फोन इज इक्वल्स टू फोन टेक्स्ट पे आया था ना, हाँ फोन टेक्स्ट डॉट यहाँ पर भी गेट टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। हमारी जितनी भी टेक्स्ट फील्ड है उनका जो भी डेटा होगा, जो यूजर ने एडमिन ने एंटर किया होगा, वो चीज़ तो हमने गेट कर ली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें गेट कर ली हैं। अब हमको एक टेबल में स्टोर कराना है, तो हमको हमारी पहले टेबल भी तो क्रिएट करना पड़ेगी ना, तो हम चलते हैं हमारे MySQL डेटाबेस में और वहाँ चल के हम हमारी पहले टेबल को क्रिएट करते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे डेटाबेस में, यहाँ पर मैं सिंपली हमारा लॉगिन कर लेता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, हम आ चुके हैं हमारी टेबल पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर न्यूली ओपन कर रहे हो आप अपने MySQL वर्कबेंच को, तो आपको सिंपली यूज़ बिल सिस्टम कमांड को पास करवाना होगा, उसके बाद आपको किसी भी टेबल को या फिर किसी भी टेबल को ओपन कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी टेबल को हम क्रिएट करेंगे वो हमारी बिल सिस्टम डेटाबेस के अंदर ही क्रिएट होने वाली है। तो अब पहली जो है वो हमारी क्या, न्यू कस्टमर के नाम से एक टेबल को क्रिएट करेंगे हम, न्यू कस्टमर के नाम से, हाँ ठीक है, न्यू कस्टमर ही के नाम से बेस्ट होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो कमांड हमको पास कराना होती है टेबल को क्रिएट करने के लिए, तो वो क्या होती है, क्रिएट टेबल, जैसा कि आपको अभी ऊपर जब हमने साइन अप वाली टेबल क्रिएट करी थी तो ये बनाई थी, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप इसको मैन्युअली टाइप करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, है ना, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें मैन्युअली ही टाइप करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब जो है वो हमारा क्या है, पहले जो हमारा है वो है नेम, पहला जो कॉलम होगा वो हमारा नेम का कॉलम होगा, और यहाँ पर मैं 20 की जगह 30 दे देता हूँ। यूज़र नेम की जगह आने वाला है हमारा मीटर नंबर, मीटर और कैपिटल एन ओ, नहीं काम करता हूँ मीटर नंबर ही, मीटर ही दे देता हूँ, मीटर हाँ नंबर देता हूँ, एन ओ दे देता हूँ, ठीक है। वेयर केयर और जो मीटर नंबर है वो 20 बेस्ट है, क्योंकि हमारा मीटर नंबर 6 डिजिट का बस होने वाला है, ठीक है। तो मीटर नंबर, मीटर नंबर के बाद आने वाला है हमारा एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस ले लेते हैं। एड्रेस का जो वेयर केयर में हमारा जो साइज़ होगा वो दे देता हूँ मैं 50, क्योंकि एड्रेस बड़ा हो सकता है ना, इसीलिए यहाँ पर 50 दे देता हूँ। अब एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद आने वाला है हमारा सिटी, जिसको कट करता हूँ, यहाँ पर सिटी दे देता हूँ, सिटी का 30, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिटी हो गई। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आने वाला है, स्टेट, तो यहाँ पर मैं स्टेट दे देता हूँ, स्टेट को भी 20 नहीं 30 दे देता हूँ, ठीक है, स्टेट हो गया। स्टेट के बाद हमारा क्या आएगा, ईमेल, सिंपली यहाँ पर एक ईमेल का कॉलम बनाते हैं, वेयर केयर ईमेल को मैं दे देता हूँ 30, ठीक है। इसके बाद हमारा आने वाला है फ़ोन, तो फ़ोन अंडरस्कोर नंबर लूँगा मैं, ठीक है, इसको भी वेयर केयर करता हूँ, और यहाँ पर फ़ोन नंबर और हमेशा से हमारा 10 डिजिट का होता है, लेकिन इसको हम 12 दे देता हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर किसी कारण से अगर कोई जो है, अगर किसी ने यहाँ पर अपना कंट्री कोड के साथ में अगर एंटर करता है कोई, तो उसको इशू ना आए, ठीक है। तो हमारे जो टेबल है उसके अंदर पहला हो गया हमारा नेम, सेकंड हो गया मीटर नंबर, मीटर नंबर के अंदर भी मैं मीटर अंडरस्कोर नंबर दे देता हूँ, ठीक है, सेकंड हो गया मीटर नंबर, थर्ड हो गया हमारा एड्रेस, थर्ड हमारा है एड्रेस, तो एड्रेस भी हो गया, फोर्थ हो गया सिटी, फिफ्थ हो गया हमारा स्टेट, और सिक्स्थ हो गया हमारा ईमेल, और लास्ट हो गया हमारा फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं सिंपली और टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। हमारी टेबल क्रिएट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि ओ शिट, हमने कॉपी करा था लेकिन बट हमने हमारे टेबल का नेम चेंज नहीं किया ना। हमको यहाँ पर जो टेबल क्रिएट करना है वो न्यू कस्टमर के नाम से टेबल क्रिएट करना है, साइनअप के नाम से कर दिया हमने, तो यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर कस्टमर दे देता हूँ, तो यहाँ पर न्यू कस्टमर दे देता हूँ। अब मैं टेबल को सिलेक्ट करते हैं इसको, और अब हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी, आप देख सकते हो हमारा जो टास्क था वो सक्सेसफुल हो गया, हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल को देखना है, टेबल को देखने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारी न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, इसको लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम रन करते हैं। हमारी जो टेबल है वो आ चुकी है, पहला कॉलम हमारा नेम है, मीटर नंबर है, सेकंड, थर्ड है एड्रेस, फोर्थ है सिटी, फिफ्थ है स्टेट, सिक्स्थ है ईमेल, और सेवन्थ है लास्ट जो कॉलम होगा हमारा वो है फ़ोन नंबर। हमारा जो डेटाबेस है वो तो क्रिएट हो गया, हमारी टेबल भी क्रिएट हो गई डेटाबेस के अंदर। अब हम चलते हैं वापस से हमारे इंटेलिजी आइडिया पर, और यहाँ पर अब हम क्वेरी को रन करवाने वाले हैं।
अब हम हमारी क्वेरी को रन करेंगे, ठीक है। तो क्वेरी को कैसे रन करेंगे, पहले तो क्वेरी बना लेते हैं, है ना। तो सिंपली जो स्ट्रिंग देता हूँ और थोड़ा स्पेस दो यहाँ पर, हाँ ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग नेम मैं क्या देने वाला हूँ, यहाँ पर देते हैं क्वेरी कस्टमर। यहाँ पर हमारी दो टाइप की क्वेरी रन होगी, ठीक है। एक जो क्वेरी हमारी होगी वो जो पूरा डेटा को लेगी और हमारे न्यू कस्टमर वाले टेबल में स्टोर करा देगी, ठीक है। और एक और क्वेरी हमारी जो सेकंड क्वेरी रन होगी वो होगी सिर्फ नेम मीटर नंबर के लिए और हमारे नेम के लिए। हमारा जो मीटर नंबर है और जो हमारा नेम है वो हमारे साइनअप वाला जो टेबल है उसमें सेव करवा देंगे, ठीक है। अब साइनअप वाला टेबल, एक बार वापस से डेटाबेस पे चलते हैं, ये साइनअप वाले टेबल को देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा मीटर नंबर है वो एडमिन देने वाला है, और जब हम साइनअप कर रहे होंगे तब हमारा जो साइनअप होगा वो मीटर नंबर के थ्रू होने वाला है, और एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर आईडी के थ्रू होने वाला है। तो मीटर नंबर भी हम हमारा यहाँ पर साइनअप टेबल के अंदर स्टोर करवा रहे होंगे, और नेम को भी हम हमारे यहाँ पर स्टोर करवा रहे होंगे। और साइनअप स्क्रीन में जो नेम है वो एडिटेबल नहीं होगा, साइनअप स्क्रीन में फिर जो यूज़र होगा वो सिर्फ अपना यूज़र नेम डाल पाएगा और पासवर्ड डाल पाएगा, और जैसे ही मीटर नंबर को डालेगा तो साइनअप स्क्रीन पर नेम उसको ऑटोमेटिकली विजिबल होगा, जो एडिटेबल नहीं होगा, उस नेम को एडिट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर कराते हैं, हमारी क्वेरी को रन करते हैं। तो वापस चलते हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर। यहाँ पर हम पहली जो है वो स्ट्रिंग लेंगे और क्वेरी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ क्वेरी अंडरस्कोर कस्टमर, तो क्वेरी अंडरस्कोर ERY होती है, स्पेलिंग भी नहीं आ रही है क्या मुझे, क्वेरी कस्टमर, ठीक है। इसको इक्वल्स टू, अब हमको क्या कराना है, हमको टेबल में हमारी इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर देते हैं इंसर्ट इनटू न्यू अंडरस्कोर कस्टमर, इंसर्ट इनटू न्यू कस्टमर हमारी टेबल का नेम है जो कि, और वैल्यूज यहाँ पर सिंपली वैल्यूज। अब वैल्यूज देने हमको क्या देना है, ठीक है। तो वैल्यूज कैसे देते हैं, पहला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस के साइन। अब पहला जो है वो कॉलम हमारा नेम का है, ठीक है। तो एस नेम देने वाला हूँ मैं यहाँ पर, मैं इसको कॉपी करता हूँ, हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इतने पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली कॉमा दे करके इसको पेस्ट करवाता हूँ, ठीक है। अब जो ये है नेक्स्ट हमारा क्या है, एस मीटर, एस मीटर ये ना, हाँ एस मीटर ये, इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। एस मीटर है हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा एड्रेस है, तो एस एड्रेस ले लेते हैं। उसके बाद हमारा है क्या, एस सिटी, सिंपली इसको लेते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कॉलन्स आ करके पूरा एरर दे रहा था, तो वो चीज़ नहीं कर रहा मैं, एपी कर लेते हैं थोड़ा सा, सिंपली यहाँ पर एस सिटी देना पड़ेगी क्योंकि नेक्स्ट कॉलम हमारा सिटी का है, सिटी का ही है ना एड्रेस, हाँ एड्रेस, फिर सिटी, फिर इसके बाद अब जो है वो हमारा स्टेट है। हमने जो हमारे कॉलम बनाया है जो जिस फॉर्मेट में हम गेट कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में हम हमारे टेबल पे इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, अब इसके अंदर इसको ले लेते हैं, और एस सिटी के साथ में एस स्टेट आएगा हमारा बाद में, मतलब एस सिटी के बाद में, स्टेट के बाद में अब आ जाएगा हमारा ईमेल। यहाँ पर स्टेट ले लिया, एस स्टेट ले लिया, अब आएगा हमारा ईमेल। तो सिंपली अब हम ईमेल को ले लेंगे, यहाँ पर एस ईमेल लेना है हमको, लेआउट आ रहा है, ओ शिट, हाँ एस ईमेल लेना है हमको, नहीं है ई ईमेल ले लिया है, सॉरी हमने ई ईमेल लिया है, एस ईमेल नहीं लिया, ई ईमेल लिया है। ईमेल के बाद है हमारा एस फोन, तो सिंपली इसको लेते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल प्लस साइन, यहाँ पर एस फोन को ले लेते हैं, और जो हमारी टेबल है ये कम्प्लीटली डन हो गई है, ठीक है। हमारी जो जो वैल्यूज हमारी न्यू कस्टमर टेबल के अंदर हमको इंसर्ट करानी है वो सारी हमने यहाँ पर दे दी है। अब वापस से यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, और स्ट्रिंग साथ में अब हमारी सेकंड क्वेरी होगी जो लॉगिन टेबल के लिए होने वाली है, लॉगिन टेबल बोल रहा हूँ मतलब साइनअप टेबल के लिए होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी ले लेता हूँ, अंडरस्कोर यहाँ पर साइनअप ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस टेबल में भी हमको वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर भी इंसर्ट लेते हैं, ठीक है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी यहाँ पर इंसर्ट लेते हैं, इंसर्ट इन टू, अब जो हमारी उस टेबल का नाम क्या था, साइनअप था, कैपिटल एस था ना, एक बार चेक कर लेते हैं वरना एरर शो होगा बाद में, साइनअप था, SIGNUP, ओके डन। हमारा जो टेबल का नेम हो गया, वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर वैल्यूज हो गई। अब हमको वैल्यूज क्या क्या एंटर करवाना है, अब एक चीज़ यहाँ पर आपको सीखने वाली होगी, जो अगर जो आपको एंटर करना है, आपको एज अ कॉलम वाइज ही डेटा को एंटर करना है, ठीक है। तो हमको क्या करवाना है, सिर्फ मीटर नंबर को देना है, एस मीटर को देना है, और एस नेम को देना है इस टेबल में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है अकॉर्डिंग टू टेबल, जब हम साइनअप टेबल को रन करते हैं, तो हमारा जो पहला कॉलम है
वो मीटर नंबर का है और थर्ड कॉलम जो है हमारा वो नेम का है ना। तो देखते हैं, अब बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। अब हमारा जो जैसे पास करवा रहे थे तो हम ये फॉर्मेट में ही पास करवाएंगे इसको, सेम यही फॉर्मेट में पास करवाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, पहले एस मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमको एस मीटर लेना है, ठीक है, सिंपली एस मीटर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो, वहाँ पर तो हमको किसी भी डेटा को एंटर नहीं करवाना, तो हम वहाँ पर सिंपली सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को दे करके वापस कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ उस कॉलम में कोई भी डेटा नहीं जाएगा। अब थर्ड कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम हमारा नेम का है, तो सिंपली इस कॉलम में हमको क्या पास करवाना है, एस नेम को। तो यहाँ पर हम एस नेम को पास करवा देते हैं। अब जो एस नेम के बाद जो कॉलम है वहाँ पर भी हमको किसी डेटा को नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ले लेते हैं। और जो लास्ट कॉलम है हमको वहाँ पर भी किसी डेटा को नहीं रिस्टोर करवाना, तो वहाँ पर भी हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ले लेते हैं कॉमा दे करके। अब जो है हमारी सेकंड क्वेरी वो भी परफेक्टली रन हो गई है, रन नहीं हुई है मतलब बन गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमको करना है वो क्या करना है, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ट्राई एंड कैच के अंदर ले लेंगे, ठीक है, ट्राई एंड कैच को ले लेते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन कैपिटल ई लेने वाले हैं, यहाँ पर कैपिटल ई लूँगा, यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमको पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमारे डेटाबेस क्लास का, डेटाबेस सी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, हमको स्टेटमेंट की हेल्प से हमको हमारी क्वेरी को रन करना है, ठीक है। अब क्वेरी को रन करना है तो हमको सी डॉट और हमारा स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, सी डॉट स्टेटमेंट डॉट। अब हमको हमारी वैल्यू इंसर्ट करना है तो हमको एग्जीक्यूट अपडेट करना होगा, और एग्जीक्यूट अपडेट करके हमको यहाँ पर हमारी क्वेरी का नेम प्रोवाइड करवाना होगा। तो सिंपली हमारी फर्स्ट क्वेरी है वो क्वेरी कस्टमर की है, ठीक है। तो अब ये हो गई, अब इधर पर सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, और यहाँ पर जो सेकेंड क्वेरी है वो हमारी किसकी है, साइनअप के नाम से। तो यहाँ पर सिंपली क्वेरी ले लेते हैं और ये साइनअप दे देंगे। अब जो है हमारी दोनों क्वेरी जो अपडेट हो जाएंगी, हमारी दोनों क्वेरी का जो डेटा है, जो भी डेटा हमको हमारे टेबल में इनपुट करवाना है वो टेबल में जाएगा। अब वो जाएगा या नहीं जाएगा तो वो कैसे पता लगेगा, अगर ये जाएगा, अगर ये डेटा हमारे टेबल में जाता है तो हमारा जो जे ऑप्शन पेन का जो मैसेज है वो रन होगा। अगर डेटा नहीं जाएगा तो वो रन नहीं होगा, सीधा हमको एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पर पहले नल, फिर मैसेज, मैसेज क्या है हमारा, मैसेज क्या शो करवाना है, कस्टमर डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा ना, मतलब अच्छा लगेगा। तो सिंपली इसको लेते हैं, तो यहाँ पर कस्टमर डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, ठीक है, हम कस्टमर डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली कैपिटल ए ले लेता हूँ, नहीं स्मॉल ही रहने देते हैं, कस्टमर डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, डिटेल का डीबी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। ये मैसेज हमको शो हो रहा होगा, अब ये मैसेज शो हो गया। अब इस मैसेज को शो होने के बाद हमको क्या करना है, हमारे जो फ्रेम है इस वाले फ्रेम को बंद करना है और हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाला फ्रेम है उसको ओपन करवा देना है। सिंपली सेट विजिबिलिटी हो जाएगी फॉल्स और न्यू मीटर इन्फो वाला जो फ्रेम है वो हो जाएगा ओपन, ठीक है, न्यू मीटर वाला जो फ्रेम है वो हो जाएगा ओपन। अब मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जो मीटर है वो तो ओपन हो जाएगा। अब जो हमने देखा था हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जब मीटर ओपन होता है तो वहाँ पे हमको मीटर नंबर इधर पे टेक्स्ट लेबल में शो करवाना है ना, तो यहाँ से हमको पास करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर गेट किया है मीटर नंबर को, एस मीटर के नाम से हमने हमारे मीटर को गेट किया है, तो सिंपली हम यहाँ पर पास कर देते हैं एस मीटर। सिंपली मैं यहाँ पर एस मीटर पास कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको एरर शो हो रहा होगा, वो एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ से पास किया है, हमने यहाँ से मीटर नंबर हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर भेजा है, बट हमको हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर रिसीव भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज में ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम सेव करवा लेंगे हमारे एक स्ट्रिंग में। तो पहले हम यहाँ से गेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग लेते हैं और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मीटर नंबर, सिंपली यहाँ पर मीटर नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ पर एक और बार स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर मीटर नंबर ही देने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे मीटर नंबर दे दिया। अब यहाँ पे नीचे क्या करूँगा मैं, इसको दिस मीटर नंबर इज इक्वल्स टू मीटर नंबर करके मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर करवा लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस डॉट मीटर नंबर इज इक्वल्स टू मीटर नंबर, ठीक है, ये जो है अब जो हमारा मीटर नंबर है ये ग्लोबली डिक्लेयर हो चुका है। नहीं, यहाँ पर लेबल भी मीटर नंबर के नाम से लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या करते हैं स्मॉल एन पर रहने देते हैं, इसको स्मॉल एन कर देते हैं, इसको भी स्मॉल एन कर देते हैं, यहाँ पर भी स्मॉल एन कर देते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर भी स्मॉल एन कर देते हैं,
अब हमारा एरर जो है वो रिमूव हो गया है। अब हमको क्या करना है, सिंपली जो ये मीटर नंबर को हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है, अब इस मीटर नंबर को जहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट फील्ड थी, यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट फील्ड खाली छोड़ी थी ये वाली मीटर नंबर टेक्स्ट, यहाँ पर हमको पेस्ट करवा देना है। अब जब भी हम हमारे ये मीटर नंबर वाले पेज से हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर जाएंगे तो हमारा जो मीटर नंबर है वो साथ में हमारे इस टेक्स्ट फील्ड में शो हो रहा होगा, ठीक है। बट जो एरर है वो अभी भी रिमूव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हाँ, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग लिया ना हमने, तो पहले तो हमको यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवाना होगी, तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से भी हमारा एरर रिमूव हो गया है, यहाँ से भी हमारा एरर रिमूव हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो बनाया था यहाँ पर हमको एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करवाना होती है, ठीक है। ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मीटर इन्फॉर्मेशन है उसकी भी हमको एक टेबल क्रिएट करना होगी, उसकी भी हमको एक टेबल बनाना होगी, क्योंकि उस टेबल के अंदर भी तो हमारा डेटा जा रहा होगा ना। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो मीटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर लेंगे अपन। तो चलते हैं हम हमारे नीचे इस पर, पहले तो वो इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा ना पहले। तो यहाँ पर दे देते हैं इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे जाते हैं, नीचे जा करके क्या करेंगे, इसको ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तो एक्शन परफॉर्म्ड के नाम से हम यहाँ पर मिलता है और हमने इसको ओवरराइड करवा लिया, तो ऊपर वाला एरर जो था वो हमारा रिमूव हो गया। अब हमारी बटन पर क्लिक हुआ है वो कैसे पता चलेगा, एड एक्शन लिसनर की हेल्प से। तो सबमिट डॉट एड एक्शन लिसनर और इसके अंदर दिस पास करना है। तो अब जो हमारी बटन पर जब क्लिक होगा वो हमारे एक्शन इवेंट के अंदर आकर के सेव हो जाएगा। अब क्या करना है, इफ और एल्स कंडीशन यहाँ पर भी बनने वाली है। एक चीज पहले ये एक चीज कर लेते हैं, न्यू कस्टमर वाली टेबल पे हमने सिर्फ इफ कंडीशन बनाई है, हम तो एल्स कंडीशन तो बनाई नहीं हमने, है ना। तो एल्स कंडीशन भी तो बनाना पड़ेगी हमको। एल्स कंडीशन कैसे बनेगी, एल्स कंडीशन हमारी जो होगी वो किस लिए होगी, हमारा जो नेक्स्ट बटन है कैंसिल बटन, वो बटन के लिए होने वाली है। तो पहले एक बार देख लेते हैं, हमारा इफ आ रहा है यहाँ पे हमारी एल्स बनेगी। यहाँ पर सिंपली एल्स बनाता हूँ और यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पे सेट विजिबिलिटी यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा। अगर हमारी जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक होगा तो हमारा ये डेटा अपडेट होगा, और अगर किसी अनदर बटन पर क्लिक होगा जो कि हमारी कैंसिल बटन है, अगर वो उस पर क्लिक होगा तो हमारा फ्रेम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं मीटर इन्फॉर्मेशन पे, सेम एज इट इज जैसा हमने हमारी न्यू कस्टमर वाली टेबल पे किया था, सेम एज इट इज हमको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी ई डॉट गेट रिसोर्स करेंगे, ठीक है, गेट रिसोर्स इक्वल इक्वल्स टू हमारी बटन किस नाम से, नेक्स्ट, सॉरी बटन नेक्स्ट नाम से नहीं है, सबमिट नाम से, नेक्स्ट नाम से तो उसमें थी, सबमिट नेम से। तो ये हमारी बटन पे, अगर सबमिट बटन पे हमारी क्लिक होगा, हमारी अगर सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, हमारा डेटा भेज देना है हमारे मीटर इन्फो वाली टेबल पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो सारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग में सेव करा लेते हैं गेट करके। तो सिंपली स्ट्रिंग लेता हूँ, पहले जो है हमारा मीटर नंबर है, तो सिंपली एस मीटर नम दे देता हूँ इक्वल्स टू, किस नाम से हमने बनाया था, मीटर नंबर के नाम से बनाया ना, मीटर नंबर गेट, नहीं एक सेकेंड, मीटर नंबर टेक्स्ट है, सॉरी एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं हमने किस नाम से बनाया था, मीटर नंबर, हाँ मीटर नंबर टेक्स्ट के नाम से। तो सिंपली नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ मीटर नंबर टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ये क्यों, अच्छा ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं है ना, एक मिनट, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये हमारे पास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करा है, ये हमारी जो लेबल है, नहीं ये तो लेबल भी है बट ये फिर भी नहीं, सॉरी ठीक है, ये हमारा जो मीटर नंबर है इस दर पे हमको ये नहीं लेना होगा, हमको सिंपली यहाँ पर मीटर नंबर लेना होगा। मीटर नंबर सिंपली हमको क्यों लेना है, क्योंकि हमारा जो मीटर नंबर है वो पीछे वाली टेबल से आ रहा है ना, हम यहाँ पर यूजर से थोड़ी ना एंटर करवा रहे हैं, हमारा पीछे वाली टेबल से आ रहा है, और हमने दिस डॉट मीटर नंबर इसीलिए तो किया था यहाँ पर क्योंकि हमारा ये ग्लोबली डिक्लेयर हो जाएगा। ग्लोबली डिक्लेयर हो गया, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मीटर नंबर को ले लेंगे, तो और जो हमारा मीटर नंबर है वो एस मीटर नंबर के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वापस से स्ट्रिंग, नेक्स्ट स्ट्रिंग में क्या लेने वाले, हमारा मीटर का लोकेशन होगा, तो एस मीटर, एक मिनट, स्ट्रिंग एस मीटर एलओसी, एस मीटर एलओसी में हमारे मीटर की लोकेशन आने वाली है। तो ऊपर हमने मीटर की लोकेशन किस नाम से ली है, इंडोर है या आउटडोर, मीटर एलओसी सीएचओ, इसको सिंपली कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और सिलेक्टेड आइटम से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गेट सिलेक्टेड आइटम, ड्रॉप डाउन से किसी चीज को लेने के लिए हमको गेट सिलेक्टेड आइटम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, मीटर की लोकेशन हो गई, अब मीटर टाइप है, तो यहाँ पर सिंपली एस मीटर पी वाई पी ये दे देता हूँ, ठीक है। एस मीटर टाइप, अगर हमारा एस मीटर टाइप है तो उसके लिए हमने क्या लिया था, मीटर टाइप सी एच ओ। तो सिंपली अब क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर टाइप सी एच ओ डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, अब जो है वो हमारी नेक्स्ट है वो क्या है,
सो वापस से स्ट्रिंग लेते हैं और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फेस कोड है, तो सिंपली एस फेस कोड ले लेते हैं, ठीक है, एस फेस कोड। अब इसको हमने चॉइस में कैसे रखा था, फेस कोड सी एच ओ के नाम से रखा हुआ है, तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम ले लेंगे, हमारा फेस कोड भी आ चुका है। अब वापस से स्ट्रिंग लेंगे और हमारे पास अब जो क्या है वो है बिल्ड टाइप, बिल्ड टाइप, तो सिंपली एस बिल्ड टी वाई पी ले लेते हैं और ऊपर हमने किस नाम से बनाया था हमारे बिल्ड टाइप को, एज अ इंडस्ट्रियल, एज अ बिल्ड टाइप सी एच ओ के नाम से, तो सिंपली इसको लेते हैं बिल्ड टाइप डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को जब मैन्युअली टाइप करोगे तो एट दी एंड आते आते आपको प्रोजेक्ट की एंडिंग तक स्विंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बन रहे होंगे और ये डेटाबेस में कैसे स्टोर कराना है, कैसे गेट करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बनना लगेंगी और बहुत ही अच्छे से बन रही होंगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रिंग हमारा जो डेज बी का कॉलम होने वाला है ना, हमारा डेज भी होगा टेबल में, तो एस डे के नाम से लेते हैं और यहाँ पर सिंपली मैं पास कर देता हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में 30, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन पे हमारे फ्रेम पर शो करवाया कि हमारा जो डिफॉल्ट जो होगा बिल जनरेशन वो 30 डेज का होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पहले वर्कबेंच पे, वहाँ पर जाके मीटर इन्फॉर्मेशन के नाम से हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं। वर्कबेंच पे हम आते हैं, हम यहाँ पर वापस से एक टेबल को क्रिएट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, सिंपली क्रिएट टेबल करते हैं और टेबल का जो नेम होने वाला है वो होगा मीटर अंडरस्कोर इन्फो। आपको अनदर नेम लेना है तो आप किसी अनदर नेम को भी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको नेम के ऊपर, आप किसी भी नेम को ले सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो मीटर इन्फो के अंदर जो कॉलम्स होने वाले हैं वो पहला कॉलम होगा हमारा मीटर नंबर का, तो METER अंडरस्कोर NUMBER, ठीक है। वेयर केयर होगा ये भी, इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कितना 30 पास करवा देता हूँ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो होगा हमारा मीटर लोकेशन, तो सिंपल मीटर अंडरस्कोर लोकेशन दे देता हूँ और वेयर केयर लेता हूँ मैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर अंदर जो मैं पास करवा देता हूँ वो भी 30 पास करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम होने वाला है वो होने वाला है मीटर टाइप, तो मीटर अंडरस्कोर टाइप दे देता हूँ और वेयर केयर इसको भी करने वाले हैं और इसके अंदर भी हम जो पास करवाएंगे वो भी 30 होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कॉलम होने वाला है वो फेस कोड होने वाला है, तो सिंपली फेस अंडरस्कोर कोड होगा, वेयर केयर होगा, ठीक है, वेयर केयर, और यहाँ पर भी मैं पास करवा देता हूँ 30 को, ठीक है, फेस कोड भी हो गया। अब जो नेक्स्ट कॉलम होने वाला है हमारा होगा बिल टाइप, सिंपली बिल अंडरस्कोर टाइप ले देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी वेयर केयर होगा और इधर भी मैं 30 पास करवा देता हूँ। जो हमारा एट दी एंड लास्ट कॉलम होगा वो होने वाला है डेज का, सिंपली मैं यहाँ पर डेज ले देता हूँ, इसको भी वेयर केयर दे देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो मैं पास करवा देता हूँ वो मैं करवा देता हूँ 10 पास करवा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारा ये जो हमारी टेबल का जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गया है, इसको रन करते हैं, हमारी जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। पहले एक बार टेबल को देख लेते हैं, ठीक है, पहले टेबल को एक बार देख लेते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मीटर अंडरस्कोर इन्फो, इसको सिलेक्ट करते हैं, रन करते हैं, हमारी टेबल हमारे सामने आ चुकी है। मीटर नंबर फर्स्ट कॉलम, मीटर लोकेशन सेकेंड, मीटर टाइप थर्ड, फेस कोड फोर्थ, बिल टाइप फिफ्थ और डेज वाला कॉलम एट दी एंड लास्ट 6th, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम हमारे इंटेलिजे आइडिया पर, यहाँ पर अब हम वापस से क्वेरी को रन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ मैं, यहाँ पर स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग का नाम क्वेरी मीटर डिटेल दे देते हैं, मीटर डीटी देते हैं, डिटेल्स बहुत ऐसा बड़ा सा हो जाता है ना, या फिर मीटर इन्फो दे देते हैं। तो यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग क्वेरी क्वेरी अंडरस्कोर यहाँ पर मीटर इन्फो, ठीक है, इसको मीटर इन्फो नेम दे देते हैं। अब हमको हमारी टेबल में वापस इंसर्ट करवाना है वैल्यूज को, तो इंसर्ट इनटू हमारा टेबल का नेम मीटर अंडरस्कोर इन्फो, ठीक है, वैल्यूज, और अब जो आएगी वो हमारी वैल्यूज आने वाली है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा सेम फॉर्मेट में लेके चलेंगे। तो पहला है हमारा एस मीटर नंबर, सेकेंड है हमारा क्या फॉर्मेट बना लेते हैं, सेकेंड है हमारा एस मीटर लोकेशन, एस मीटर लोकेशन, थर्ड है हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं, थर्ड है हमारा एस मीटर टाइप, एस मीटर टाइप, ठीक है, फोर्थ है हमारा, फोर्थ जो है वो है हमारा फेस कोड, सिंपली एस फेस कोड ले लेते हैं, फिर यहाँ पर वापस फॉर्मेट को बना लेते हैं, और अब जो है हमारा वो है एस बिल्ड टाइप, एस बिल्ड टाइप को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये भी हो गया, बिल्ड टाइप भी हो गया, अब हमारे पास जो लास्ट बचता है एट दी एंड, एट दी एंड डेज का कॉलम है ना हमारे पास, तो फॉर्मेट को लेते हैं पहले और ये प्लस प्लस किया, यहाँ पर हम करते हैं एस डेज, एस डे, इसको करते हैं हम
क्लोज और जो हमारी क्वेरी है वो बन चुकी है। क्वेरी को एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ेगा तो उसको सिंपली ट्राई के अंदर करते हैं और कैच ले लेते हैं नीचे, जिससे हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी। कैपिटल ई ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर आप स्मॉल ई लोगे तो आपको एरर शो होगा, क्यों होगा? क्योंकि एक्शन इवेंट के अंदर भी हमने ई को स्मॉल लिया हुआ है, इसलिए आप एक्सेप्शन वाले के साथ में भी स्मॉल ई नहीं ले सकते, इसलिए मैं यहाँ पर कैपिटल ई ले रहा हूँ। तो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दो यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेरी को रन करवाना है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डेटाबेस सी इज इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर अब हमको क्वेरी को रन कराना है तो सिंपली सी डॉट स्टेटमेंट या हेल्प से कराएंगे डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट से कब करवाते हैं? जब हमको हमारी वैल्यूज को इंसर्ट करवाना होता है। अब यहाँ पर क्वेरी का नेम दे देते हैं, ठीक है, क्वेरी मीटर इन्फो। अब जब हमारी क्वेरी परफेक्टली रन हो जाएगी तो वापस हमको जे ऑप्शन पेन की हेल्प से यहाँ पर मैसेज शो करवाना होगा। तो यहाँ पर सिंपली शो मैसेज डायलॉग ले लेते हैं पहले, सॉरी यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा नल, फिर सेकेंड हो जाएगा हमारा मैसेज। मैसेज हमको क्या शो करवाना है, हमको मैसेज क्या शो करवाना है? मैसेज में हम शो करवा देते हैं मीटर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अच्छा दिखेगा ना, अच्छा लगेगा, मीटर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली या सबमिट सक्सेस, नहीं सबमिटेड रखते हैं, मीटर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मीटर इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन और फिर यहाँ पर सबमिटेड और सक्सेसफुली, ठीक है। हमारा जो ये मैसेज है ये भी बन गया है, मीटर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। जे ऑप्शन पेन के थ्रू हम मैसेज को शो करवाते हैं। मैसेज को शो करवाने के बाद जो हमको हमारी फ्रेम को क्लोज कर देना है, तो यहाँ पे सेट विजिबिलिटी हम कर देंगे फॉल्स। अब जो है वो एल्स होगा, एल्स तो हमारा यहाँ पर आने वाला है, तो एल्स नहीं, सॉरी एल्स नहीं होगा ना, यहाँ पर तो कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं है ना, एक ही बटन है, तो यहाँ पर एल्स नहीं देते, कोई दिक्कत नहीं है। या तो एल्स भी दे देते हैं, एल्स भी दे देते हैं, एल्स में क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर एल्स तो देना ही पड़ेगा ना, इफ को यूज़ किया है। एल्स में भी सेट विजिबिलिटी जो है वो भी फॉल्स करवा देंगे, एल्स की जो विजिबिलिटी होगी एल्स में भी उसको भी फॉल्स, उसमें भी विजिबिलिटी को फॉल्स करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब अपन क्या करते हैं, हम एक बार क्या करते हैं, पूरा लॉग इन क्लास साइन अप क्लास में पहले डेटा को चेक करते हैं हमारे पास कोई क्रेडेंशियल है अभी। 123123 एज एडमिन है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंटेलिजी आइडिया में चलते हैं और स्प्लैश क्लास से हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारी जो स्प्लैश क्लास है वो परफेक्टली रन हो चुकी है, लॉगिन फ्रेम पर आ गए हैं, साइन अप फ्रेम पर भी परफेक्टली जा रहे हैं और बैक करते हैं तो ये वापस हम हमारे लॉगिन फ्रेम पर आ गए हैं। यूजर नेम 123, पासवर्ड 123, एज एन एडमिन लॉगिन करते हैं तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी हमने हमारे मेन स्क्रीन पर ये न्यू कस्टमर वाला नहीं डाला है अभी, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। यहाँ पर जब न्यू कस्टमर पर क्लिक होगा तो हमारा अभी जो हमने फ्रेम बनाया वो ओपन होकर के आएगा, ठीक है। तो हमारा जो लॉगिन वाला पार्ट है वो सही से चल रहा है, साइन अप वाला पार्ट भी हमारा सही से चल रहा है। अब क्या करते हैं, न्यू कस्टमर वाले को ओपन करवा लेते हैं, सारी डिटेल्स डाल के एक बार चेक करते हैं बैकएंड में हमारा डेटा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। न्यू कस्टमर को ऐड करवाते हैं, नेम क्या है हमारा कस्टमर का, लाइक एवी देता हूँ, नेम कस्टमर का एवी है। एड्रेस क्या है, एमपी। सिटी क्या है, एमपी। स्टेट क्या है, एमपी, ठीक है। ईमेल एड्रेस में मैं क्या दे देता हूँ, av@gmail.com ये दे देता हूँ। फ़ोन नंबर मैं रैंडम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 और ज़्यादा है तो 0 भी दे देता हूँ। अब जैसे ही हमारी वैल्यूज़ एंटर हो गई हैं, अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास परफेक्टली हमारा जो डेटा है वो हमारे फ्रेम पर गया है। वो मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो जावा का एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। अगर हमारा डेटा जो हमने एंटर किया वो हमारे अगर डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ होता तो हमारे पास जो है हमारा मैसेज है ये शो ही नहीं होता, डायरेक्ट हमारा जो फ्रेम है वो वहीं का वहीं रहता, कुछ नहीं होता हमारे फ्रेम में, ठीक है। तो हमारा जो ये कस्टमर डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली हमारा आ चुका है, जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ हम आ चुके हैं हमारे मीटर इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर। यहाँ पर जो हमने मीटर नंबर को यहाँ पर शिफ्ट करवाया है तो एज इट इज़ जो हमारा मीटर नंबर रेंडमली जनरेट हुआ था वही मीटर नंबर हमारा यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ हमारा इनसाइड मीटर होने वाला है, सो स्मार्ट मीटर को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 55 ले लेता हूँ, बिल टाइप नॉर्मली रहने देते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। हमारा जो यहाँ वाला जो मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जो डेटा है वो भी हमारे डेटाबेस पर परफेक्टली चला गया और जो हमारा मीटर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली जो मैसेज था वो भी आ चुका है। ओके पर क्लिक करते हैं, हमारा फ्रेम क्लोज हो चुका है। अब हम डेटा को चेक कर लेते हैं, जाते हैं वापस से हम हमारे वर्क बेंच पर, यहाँ पर जा करके पहले न्यू कस्टमर वाले पर क्वेरी को रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो नेम एवी, मीटर नंबर हमारा आ चुका है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जीमेल और फोन नंबर, ये सारा डेटा हमारे न्यू कस्टमर वाली टेबल पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ वाली क्वेरी को भी रन करते हैं,
मतलब मीटर इन्फॉर्मेशन वाली क्वेरी को भी रन करते हैं, और जो हमारा मीटर इन्फॉर्मेशन वाला जो डेटा था वो भी हमारा परफेक्टली हमारे टेबल पर आ चुका है। मीटर नंबर आ गया, मीटर लोकेशन, मीटर टाइप, फेस कोड, बिल टाइप और डी, हमारा जो डेटा है वो हमारा परफेक्टली हमारे बैकेंड पर आ रहा है। न्यू कस्टमर वाली टेबल पे हमने हमारे साइनअप स्क्रीन पर भी, साइनअप वाले जो टेबल है उस पर भी कुछ डेटा को भेजा था, तो देख लेते हैं। एवी लिया था ना अपने, नेम क्या लिया था, हाँ एवी लिया था, न्यू कस्टमर का नेम एवी लिया था, और 20 80 वाला जो मीटर नंबर था ये आ चुका है हमारे मीटर नंबर वाले कॉलम पर, और जो हमारा नेम है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देख रहे होंगे जहाँ पर हम और हमारे जे फ्रेम्स के थ्रू हमारे जावा के और आने वाले जो फ्रेम्स हैं वो उन फ्रेम्स को बना रहे होंगे, जिसमें हमारा पे बिल के भी फ्रेम्स होने वाले हैं। ये सारे फ्रेम्स को हम आने वाली वीडियोस में बना रहे होंगे। हमारे न्यू कस्टमर क्लास को बना लिया है, मीटर इन्फॉर्मेशन क्लास को बना लिया है, ठीक है, हमने हमारे डेटा को बैकएंड में स्टोर कराना भी स्टार्ट कर दिया है। अब जो हमारी इस वीडियो का जो काम था वो हमारा हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल रही होगी, आप वहां से जाकर के सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस को देख सकते हो, इंट्रोडक्शन वीडियो से लेकर आप एंड तक की वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ में आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर रोड मैप की वीडियो भी मिल रही होगी, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आने वाले टाइम में हम न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे होंगे, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर डिफरेंट यूनिक प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे होंगे, साथ ही साथ में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी लेकर आने वाले हैं, जो कि बिगनर टू एडवांस लेवल के कोर्सेज होंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री होंगे। आने वाले टाइम में हम हमारे इस प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर रहे होंगे, और भी हम हमारा जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ था, सेम एज इट इज़ हम हमारे प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना न्यू अपडेट्स के लिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।